जय जिनेंद्र संगिनीस। जय जिनेंद्र टू ऑल। जय जिनेंद्र संगिनीस। मैं स्वाति अमित जैन, मेरी सभी प्यारी संगिनी बहनों का एवं हमारे बीच उपस्थित सभी मेहमानों का तथा हमारे स्पीकर्स एवं जजेस, हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट श्रीमती रचना बेन पारेख, हमारे सभी उपस्थित फॉर्मर प्रेसिडेंट्स का आज के इस प्रोग्राम फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वेबिनार एंड कॉम्पिटिशन में दिल से स्वागत करती हूँ। जिंदगी की खुशियों का यही है आधार, जिंदगी की खुशियों का यही है आधार, खाने में शामिल हो जब ढेर सारा पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार से ही शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, और जब हमारा शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन है। तो चलिए संगिनी, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम नमस्कार महामंत्र के साथ करते हैं, जिसके लिए मैं हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती फाल्गुनी प्रशांत शाह को इनवाइट करती हूँ। वे स्क्रीन पर आए और नमस्कार महामंत्र का पठन करें। थैंक यू स्वाति। जय जिनेन्द्र संगिनी। ओम नमो अरिहंताणाम, ओम नमो सीताणाम, ओम नमो आयरियाणाम, ओम नमो उवजायाणाम, नमो लोए सवसाहूणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सावेसी पढ़मां हावै मंगलम, पढ़मां हावै मंगलम। जय जिनेन्द्र। अनम्यूट योरसेल्फ स्वाति। थैंक यू फाल्गुनी जी। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस प्रोग्राम की शोभा की क्या कहना जहां हमारे किरण बेन, अनीता बेन, मित्तल बेन, वैशाली बेन, हैतल बेन और रूपा बेन जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच JSGIF फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट श्रीमती किरण बेन जैन वडोदरा से, JSGIF फॉर्मर संगिनी चेयरपर्सन अनीता बेन शाह पुणे से, JSGIF संगिनी चेयरपर्सन श्रीमती मित्तल बेन शाह वापी से, JSGIF गुजरात रीजन जोन कोऑर्डिनेटर श्रीमती वैशाली बेन सुराना वडोदरा से, गुजरात रीजन संगिनी कन्वीनर श्रीमती हेतल बेन मेहता हिम्मतनगर से एवं JSGIF फर्स्ट लेडी श्रीमती रूपा बेन वापी से उपस्थित है। आप सभी का मैं अंतर्मन की गहराइयों के साथ धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकालकर हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रात बड़ी घनघोर थी, रात बड़ी घनघोर थी, पर आशा की एक डोर थी। नीलम हाथों में लिए नजरे चंदा की ओर थी, नीलम हाथों में लिए नजरे चंदा की ओर थी। ऐसी ही हमारे ग्रुप की नीलम जी अपनी नीलिमा से पूरे ग्रुप को रोशन करेंगी। तो आइए हमारी अपकमिंग प्रेसिडेंट श्रीमती नीलम जिगर शाह का स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, मैं नीलम जिगर शाह, आज मेरे लिए बहुत है गर्व और खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के बीच JSGBMP संगिनी के प्रेसिडेंट के रूप में आने का मौका मिला,
जिसका पेरेंट्स ग्रुप जैन सोशल ग्रुप वडोदरा मिड टाउन लगातार पिछले पांच लगातार पांच वर्षों तक पूरे फेडरेशन में अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रुप रहा है, जिसकी संगिनी ग्रुप की स्थापना सन 2013-14 में श्रीमती रचनाबेन पारेख की नेतृत्व में हुई थी। तब से लेकर अब तक हमारी पूरी टीम आप लोगों के समक्ष नित नए प्रोग्राम लाने का प्रयास कर रही है और आप लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपने पूरी टीम के साथ अपने ग्रुप के सदस्य के लिए नित नए और इनोवेटिव प्रोग्राम लाने का प्रयास करूंगी। हमें आप और पूरे टीम और आप सभी मेंबर का साथ और सहकार से पूरा अपेक्षा चाहते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू नीलम जी। आज के इस कंपटीशन के लिए हमारे पास काफी सारे एंट्रीज थी। सबसे पहले तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में भी पूरे उत्साह और जोश के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। रियली आप सब बधाई के पात्र हैं। आप ही के द्वारा बनाई गई डिशेज का एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमने तैयार किया है, चलिए साथ मिलकर वीडियो क्लिप देखते हैं। स्वाति स्टार्ट। Wow, such a wonderful presentation by all of you. आपका टैलेंट और डिशेज देखकर हमारे मुंह में तो पानी ही आ गया। संगिनीज, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में
हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमारा खान पान बहुत ही संतुलित एवं पौष्टिक होना चाहिए। इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्पीकर्स एवं जजेस इनवाइटेड हैं। उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं हमारी वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती हेतल प्रणव शाह को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू स्वाति जी। जय जिनेन्द्र संगीनी। आज हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए वो ये जानने के लिए इकट्ठा हुए। इस बारे में ज्यादा जानकारी होने के देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर कोमल चौहान जी उपस्थित हैं। मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। ही इज अ प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस एट MS यूनिवर्सिटी। He has a 29 years of experience in teaching, area of research in geriatric nutrition, food service management and sports nutrition. So, आइए हम स्वागत करते हैं अपने पहले स्पीकर डॉक्टर कोमल चौहान जी का। अब हमारे साथ दूसरे स्पीकर मिसेस निकिता जोशी वाड़ेकर जी का मैं परिचय देना चाहूंगी। She has done her master in diuretic food and nutrition. She is a certified intermittent fasting coach. She is an assistant professor in department of food and nutrition at MS University and currently pursuing PhD in clinical nutrition. She has 6 years of clinical experience, also working as a freelancer, nutrition founder and owner of NutriSatva. हेलो संगीनी, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हमारे स्पीकर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्रीमती रूपाली बेन आपके पूछे हुए प्रश्न स्पीकर तक पहुंचाएंगे और हमारे स्पीकर आपके सवालों का जवाब देंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे पहले स्पीकर निकिता मैम का। प्लीज वेलकम निकिता मैम। थैंक यू हेतल जी। सभी संगीनियों को मेरा गुड आफ्टरनून एंड आई होप अभी पैंडेमिक के सिचुएशन में आप सब ठीक हो, आपकी फैमिली मेंबर्स सारे ठीक है। जय जिनेन्द्र टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम निकिता जोशी है। आज मैं आपसे बातचीत करने आई हूँ रिगार्डिंग खान पान कैसा होना चाहिए, राइट। बीइंग अ लेडीज आप घर पे सबका ध्यान रखते हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है और आपको आपका खाने पीने का ध्यान कैसा रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आज मैं आपको बड़े बड़े टॉक्स नहीं देने वाली हूँ बट जो आप रिलेट कर सकोगे वैसे ही 10-15 टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। और बीच बीच में अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है जैसे हेतल जी ने बोला आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो और एट द एंड हम दो क्वेश्चन आंसर राउंड भी लेंगे। ओके, सो अभी मैं मेरा एक स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ सो दैट वी विल स्टार्ट। आई होप आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, सो आई विल जस्ट फुल स्क्रीन इट। ओके ओके ओके। सो व्हाट आर द वेरियस हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फॉर फीमेल्स? सबसे पहली चीज के व्हेन वी नीड डाइट। ओके, जैसे डाइटिशियन नाम ही एक बड़ा खतरनाक है कि लोग सुन लेते हैं तो सबको यही लगता है कि ओके अभी ये हमें डाइट पे रखेगी, दैट मींस हमें ऑल द टाइम सैलेड्स खाने पड़ेंगे, हमें कच्चे सब्जियां खाने पड़ेगी, हमें करेले के जूस पीने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। डाइट मींस आपका जो नॉर्मल ईटिंग पैटर्न है उसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं टू यू नो गेट लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। सो सबसे पहली चीज ये आती है कि हमें डाइट करने की जरूरत कब है। ऐसा नहीं होता है कि जब आपका वेट बहुत ज्यादा है तब हमें डाइट की जरूरत है। नो,
व्हेन वी नीड डाइट, सो जब हम लोग होम बेस्ड फूड से कन्वीनियंस फूड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं. यस, होम बेस्ड फूड मींस जो आप घर पे बनाते हो, जैसे आपका दाल चावल रोटी सब्जी घर के बनाए हुए नाश्ते, वो छोड़ के अगर हम कन्वीनियंस फूड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं. कन्वीनियंस फूड्स मींस व्हाट? रेडी टू ईट फूड्स जो बाहर मार्केट में अवेलेबल है, लाइक बिस्किट्स है, चिप्स है, उसके बाद सारे पैकेट फूड्स है, अभी ब्रेकफास्ट सीरियल्स का बहुत कल्चर है. सो व्हेन वी शिफ्ट होम बेस्ड फूड टू कन्वीनियंस फूड, सो व्हाई उस टाइम पे हमें डाइट की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ये जो कन्वीनियंस फूड्स होते हैं, रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, वो सारे होते हैं, दे आर रिच इन ऑयल शुगर एंड सोडियम. जी हाँ, हम लोग जो भी बाहर का फूड लेते हैं, या तो वो फ्राइड होता है, ओके, या तो वो बेक्ड होता है, सो इट कंटेन्स लॉट ऑफ बैड फैट, ऑयल, घी, शुगर होता है, स्वीट ज्यादा होता है, एंड सोडियम मीन्स नमक की मात्रा जो है वो उसमें ज्यादा होती है. सो दिस थ्री वी कैन से दैट के वो व्हाइट पॉइजन है. अगर हम उसको एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं, देन इट विल एक्ट एज अ स्लो एंड व्हाइट पॉइजन. प्लस बाहर के जो कन्वीनियंस फूड होते हैं, उसमें विटामिन्स मिनरल्स नहीं होते हैं. विटामिन्स मिनरल्स का काम क्या होता है? हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखना. अभी कोरोना के टाइम पे हम सबको पता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी इन आर बॉडी. सो वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम जो है वो कर रहा है विटामिन्स एंड मिनरल्स. अभी हम लोगों को विटामिन्स के पिल्स लेने पड़ते हैं, राइट? क्यों लेने पड़ते हैं? बिकॉज वी आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ विटामिन्स एंड मिनरल्स विच इज कमिंग फ्रॉम fruits and vegetables, right? So, जो convenience foods होते हैं, they are rich in vitamins and minerals. At the same time, उसमें fruits and vegetables नहीं होते हैं. Convenience foods मैदा के बनते हैं, butter, sugar, artificial flavors, colors. So, there are no fruits and vegetables. So, in such conditions, हमें diet की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? Because convenience foods ज़्यादा खाने से आपको या तो overweight होता है, या तो obesity, high blood pressure, high cholesterol and डायबिटीज. सो दिस ऑल टाइप ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स वी फेस. सी, ये फूड पिरामिड है. फूड पिरामिड आप देख सकते हो कि सबसे नीचे का स्लैब जो है उसमें है सीरियल्स. वैसे ही हमारी प्लेट में होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पोर्शन हमें पूरे दिन का क्या लेना चाहिए? सीरियल्स. सीरियल्स मीन्स सारे जो अनाज है वो. उससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए. उससे कम क्या होना चाहिए? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेज प्रोडक्ट्स. एंड उसके ऊपर आप जाओगे तो देखोगे पल्सेस है, लाइक योर कठोल है. और सबसे कम आप देखोगे तो क्या है? ऑयल, बटर, घी, चीज एंड शुगर, जो हमें सबसे कम लेने वाली चीज है. क्यों कम लेने वाली चीज है? बिकॉज आई टोल्ड यू कि एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ बटर, ऑयल एंड घी जो है, उससे आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होंगे वो बढ़ेंगे. एंड शुगर लेवल, शुगर कंजम्पशन अगर ज्यादा हो जाएगा, देन इट विल कॉज द डायबिटीज, राइट? सो लेट्स डिस्कस क्विक टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ. ओके, आपकी अभी बहुत बिजी लाइफ स्टाइल है. बींग अ लेडीज, वी आर ऑलवेज बक्ड अप विद सम काइंड ऑफ वर्क, राइट? कुछ ना कुछ काम होता है. आप सुबह से जब उठते हो तब आपका काम शुरू होता है, रात के सोने तक भी आपका प्लानिंग चलता है कि कल सुबह आपको क्या बनाना है, राइट? सो इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आपको आपके शरीर का ध्यान रखना है. ओके, सो हम लोग अभी वो एक टिप्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड टेक इन योर माइंड. एक चीज ये भी याद रखिए कि डाइट जो है वो ओवरनाइट करने की चीज नहीं है. मींस आप रोज ही ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. वी ऑलवेज से दैट यू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? सो पहले से ही आपने ये सब चीजों का ध्यान रखा है, सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी. सो एक्सेस बॉडी वेट जो है वो हमें बेसिकली अवॉइड करना है. क्यों? बिकॉज अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका जो है वो बीमारियों का घर हो जाएगा. आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम्स, थायराइड, पीसीओडी, कैंसर, एंड एट द सेम टाइम यू नो लो इम्यूनिटी. और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो ये जो इन्फेक्शन अभी चल रहे हैं वो आपकी बॉडी पे इजिली अटैक करेंगे. सो द फर्स्ट टिप इज स्टे हाइड्रेटेड. ओके, पानी जो है वो फ्री में मिलता है बट हम उसमें भी नहीं पीना चाहते हैं. क्यों? बिकॉज वी फॉरगॉट कि पानी क्यों पीना है. हम ऐसे याद करके पानी नहीं पीते. हम पानी कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है. दैट मीन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो चुका है. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 70-80% ऑफ वाटर से बनी है, राइट? सो आपको पानी पीना बहुत जरूरी है. अगर आप पानी की प्यास लग रही है तब पी रहे हो, दैट मीन्स आपकी बॉडी में 20-30% वाटर जो है वो कम हो गया है. इसीलिए आपको बॉडी ने सिग्नल दिया है कि नाउ यू ड्रिंक वाटर. सो एटलीस्ट दिन में 8-10 ग्लास पानी आपको
जरूर पीने हैं, राइट। सो अभी आप देखोगे समर का टाइम है, सो एटलीस्ट 2 से 3 लीटर मिनिमम वाटर कंजम्पशन होना जरूरी है। अगर आप पानी कम पीते हो तो आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगा, आपको यूरिन इन्फेक्शन होगा, आपको किडनी स्टोन्स होंगे, आपके मसल एक्स होने लगेंगे। सो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम वाटर दूसरे भी हेल्दी बेवरेजेस है जो हम डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक बटर मिल्क, छाछ जो है आप वो ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, फ्रूट जूसेस जो होम मेड फ्रेश है, वे वाटर मीन्स दही में से जो पानी निकलता है वो आप ले सकते हो बिकॉज वो प्रोटीन रिच है, एंड वेजिटेबल ब्रॉथ्स मीन्स सूप्स। सो ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर द हेल्दी बेवरेजेस। तो पानी तो पीना ही है बट उसके साथ साथ आप ये बेवरेजेस भी कंज्यूम कर सकते हो। एक्सेस टी कॉफी हमें नहीं पीना है, दिन में सिर्फ 2 ही या मैक्सिमम 3 बार आप चाय कॉफी पी सकते हो। अगर आपको हैबिट नहीं है तो डोंट गो इन टू दैट, इट्स ओके। अगर आपको हैबिट नहीं है तो वो अच्छी बात है, राइट। सो द फर्स्ट टिप इज स्टे हाइड्रेटेड। उसके बाद सेकेंड इज रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, अभी आप देखोगे तो फ्रूट्स के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो गए। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ सडन लोगों को अभी इंपॉर्टेंस पता चल गया है कि फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हम लोगों को कोविड नहीं होगा, या तो फिर अभी हमें कोविड हो चुका है तो हमें फ्रूट्स खाने हैं। सो ये अभी अवेयरनेस एकदम से आया। ओके, सो पहले से ही अगर आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंजम्पशन अच्छा है तो आपको ये इन्फेक्शन लगने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। सो कितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए? सो एटलीस्ट 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो हमें दिन में लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसको अच्छी बनाएंगे। आपको लगेगा कि 4-5 सर्विंग्स लेना कितना डिफिकल्ट है, नहीं वो डिफिकल्ट नहीं है। आप 2 बार दिन में फ्रूट खाओ, सब्जी अच्छी मात्रा में लो, 1 कटोरी सब्जी आप लंच में लो, आप जो ब्रेकफास्ट बनाते हो, नाश्ता बनाते हो उसमें सब्जी डालने की कोशिश करो, वेजिटेबल जूस पियो, ओके। सो उससे आपका जो 4 to 5 सर्विंग्स जो है इजीली फुलफिल हो सकता है। ट्राई टू कंज्यूम 1 सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मीन्स खट्टे फल, जैसे आम, अभी आंवला है, उसके बाद ऑरेंज है, ग्वावा है, लेमन है। क्यों लेना है? बिकॉज उसमें विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा है। एंड हरी सब्जियां जो है एटलीस्ट 2 से 3 बार वीक में लेने की कोशिश करनी है बिकॉज उसमें जो आयरन कैल्शियम जो है वो बहुत ही अच्छे प्रमाण में है। और कभी भी आप कुकिंग करते हो, कुकिंग के बाद एज अ गार्निशिंग हमेशा कोरिएंडर का यूज करो, धनिया डालो। क्यों? बिकॉज धनिया जो है इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, जिससे आईज जो है वो अच्छी रह सकती है। ओके, सो द थर्ड इज अवॉइड पोटैटोस एज मच एज यू कैन। नाउ आप लोग जैन हो, ओके, यू आर फ्रॉम जैन कम्युनिटी, सो मोस्टली हाउस होल्ड में पोटैटोस यूज नहीं होते होंगे। बट पोटैटोस क्यों यूज नहीं करने हैं? बिकॉज काफी लोग जो है वो आलू को सब्जी कंसिडर करते हैं। आज कौन सी सब्जी खाई? आलू की सब्जी खाई। बट आलू इज नॉट अ सब्जी, लेट मी टेल यू, बिकॉज सब्जियों में कैलोरीज नहीं होती है, आलू में बहुत ज्यादा कैलोरी है। एक आलू में 3 रोटी में से जितनी कैलोरीज मिलती है उतनी कैलोरी एक आलू में है। बट हम लोग सारी सब्जियों में, काफी लोगों को हैबिट होती है कि आलू मिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। बट आपको वो पहले से ही बच्चों को सिखाना है दैट आलू इज नॉट अ वेजिटेबल। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड पोटैटोस इन अ सब्जी। डू नॉट यूज पोटैटोस एज अ फिलर इन स्नैक्स आइटम्स, जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं, वड़ा पाव, समोसे, सो एज अ फिलर वी यूज पोटैटोस। बट ट्राई टू रिप्लेस दोस पोटैटोस विद अदर वेजिटेबल्स। एक्सेसिव पोटैटोज अगर आप कंज्यूम करते हो देन इट विल कॉज वेट गेन, और उससे कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ सकता है। ओके, सो पोटैटोज का यूज मत करिए। एंड ऑफकोर्स इट इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, जिनको डायबिटीज है उनको भी आलू नहीं देना है। क्यों? बिकॉज पोटैटोज आर रिच इन स्टार्च, शुगर उसमें बहुत ज्यादा है, जो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी नहीं है। सो दिस इज अ थर्ड टिप दैट यू हैव टू अवॉइड पोटैटोज एज मच एज यू कैन। ओके, उसके बाद जो फोर्थ टिप है वो है एड प्रोटीन इन योर डेली डाइट। ओके, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसमें एंटीबॉडीज वगैरह है वो प्रोटीन में से बनता है। ओके, आपका जो स्किन है, सभी फीमेल्स को चाहिए होता है कि मेरा स्किन ग्लोइंग हो, मेरे हेयर क्वालिटी अच्छा हो, मेरे नाखून अच्छे हो, बट ये सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन एंड कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ट्राई टू कंज्यूम प्रोटीन इन योर डाइट। अब प्रोटीन किस में से आता है? सो प्रोटीन आपको मिलेगा पल्सेस में से, जो कठोल होते हैं, बॉइल्ड कठोल, लाइक मूंग है, चने हैं, मट है, सारे प्रकार की दालें हैं, मूंग का सूप है,
चीला वगैरह ले सकते हो, बेसन का यूज करते कर सकते हो, स्प्राउट्स है. सो इन सारी चीजों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है. सो आप वो लेने की कोशिश करिए. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बाय ट्राइंग सीरियल पल्स. सीरियल पल्स मीन्स खिचड़ी, जिसमें आप दाल और कोई अनाज का मिक्सचर कर रहे हो. जैसे खिचड़ी में हम राइस भी लेते हैं और मूंग दाल भी लेते हैं. ओके, उसके बाद आता है सीरियल मिल्क कॉम्बिनेशन. सो ट्राई टू कंज्यूम सीरियल विथ मिल्क. दूध के साथ कुछ रोटी वगैरह मिक्स करने की कोशिश करिए. कंज्यूम लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, दाल इन डेली रूटीन. डेली रूटीन में आपको दूध पीना है, बिकॉज दूध में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छी है. नट्स मीन्स ड्राई फ्रूट्स एंड दाल. रोज आपको एक कटोरी लंच में दाल जरूर लेनी है. 500 ml दूध का जरूर आपको कंजम्पशन करना है. और ब्रेकफास्ट में काफी लोग पोहा, उपमा, ऐसे सीरियल बेस्ड आइटम्स प्रेफर करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल सजेस्ट कि आप स्प्राउट्स खाओ, आप मूंग बॉइल्ड करके खाओ, आप चने खाओ. सो उससे आपका जो प्रोटीन लेवल है वो इम्प्रूव हो सकता है. डीफैटेड सोया फ्लावर एंड सोया चंक्स कैन ऑल्सो बी यूज. काफी लोगों को पता है सोयाबीन का आटा मिलता है. ओके, सो वो सोयाबीन भी आप यूज कर सकते हो जो बाहर रेडीमेड अवेलेबल है. सोया फ्लावर, वो भी आप आपके रोटी जब बनाते हो उसमें आप वो थोड़ा सा आटा यूज करके उसकी रोटी बना सकते हो, और उससे आप प्रोटीन की मात्रा जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो. इवन सोया चंक्स की सब्जी भी आप बना सकते हो. ओके, सो दैट वॉज अबाउट द प्रोटीन. उसके बाद आता है यूज लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. दूध बहुत जरूरी है. आप अभी काफी फीमेल्स मुझे दिख रही है जो 40s में होंगे, राइट? दैट मीन्स दे आर नियर टू देयर मेनोपॉज पीरियड. मेनोपॉज पीरियड में जो कैल्शियम होता है बॉडी में वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है. आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज आपका जो कैल्शियम स्टोर्स है वो लॉस होता है. सो उस टाइम पे आपकी हड्डियां मजबूत रहे उसके लिए आपको कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है. कैल्शियम किस में से आता है? तो कैल्शियम जो है वो दूध में से आता है. तो जरूरी है कि आप एटलीस्ट 500 ml जो है वो दूध पिए. बट कौन सा मिल्क लेना है? लो फैट. क्यों? बिकॉज काफी लोग अभी क्रीम वाला मिल्क यूज करते हैं. बट लेट मी टेल यू कि ये जो क्रीम वाले मिल्क होते हैं इट कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो. ओके, सो आप दूध पियोगे बट उसके साथ साथ आपको कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में एंटर होगा, और हमें वो नहीं चाहिए. इसीलिए कौन सा दूध यूज करना है? लो फैट मिल्क. लो फैट मिल्क अगर यहीं आता है घर पे तो आप दूध को उबाल के उसकी मलाई निकाल के जो दूध रहता है वो यूज कर सकते हो, या तो गाय का दूध यूज कर सकते हो, और उसमें से ही घर पे ही दही जमा के वो दही खा सकते हो. उसके बाद यू नो उसमें से छाछ बना सकते हो. सो दैट इज हाउ यू कैन यूज लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. के रात को सोते टाइम आप एक ग्लास दूध पियो, सुबह चाय कॉफी में दूध ले रहे हो, रोज लंच में दही या छाछ लेने का नियम बना लो. ओके, सो आपका 500 ml जो है वो इजीली फुलफिल हो जाएगा. क्यों ले रहे हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स? बिकॉज उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है और विटामिन B12. काफी वेजिटेरियन लोग होते हैं जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है. ओके, सो मिल्क इज द ओनली सोर्स फॉर देम कि उनका B12 इंप्रूव हो. ओके, सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जरूरी नहीं है सिर्फ दूध ही पीना है, आप दही ले सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, आप रायता ले सकते हो. सो दीज आर द ऑप्शंस. उसके बाद नेक्स्ट आता है अवॉइड फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड्स. काफी लोगों को हैबिट होती है कि रेगुलर बेसिस पे फ्राइड फूड का कंजम्पशन ज्यादा कर लेते हैं, तो वो नहीं लेना है. क्यों? बिकॉज उसमें तेल की मात्रा बहुत ज्यादा है, फैट्स जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? वेट गेन. प्लस काफी जो फैट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है. जैसे डालडा है, वनस्पति घी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है जो हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो जितना हो सके उतना फ्राइड अवॉइड करके आप स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, जैसे टिक्की बनाते हो तो डिप फ्राई करने से अच्छा आप शैलो फ्राई कर लो. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन इम्प्रूव द फैट लेवल्स. प्रोसेस्ड फूड्स मीन्स बाहर के जो पैकेट्स मिलते हैं सारे, लाइक मे बी वी कैन से बालाजी, लेस, रियल, हल्दीराम, तो वो सारे जो पैकेट्स होते हैं वो सारे प्रोसेस्ड मीन्स ऑल आर फ्राइड. ओके, सो ट्राई टू अवॉइड फ्राइड प्रोडक्ट्स. सो प्रोसेस्ड फूड्स जो है लाइक ब्रेड्स, बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स, रेडी टू ईट फूड्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे ओट्स, म्यूजले, कॉर्नफ्लेक्स, सो उसका यूज अगर आपको नहीं पता है सो ट्राई टू अवॉइड दोस. एंड कुकीज. ओके, वो ये सारी चीजें जो है ना हमें बहुत अच्छी लगती है, बट वो अच्छी हमें इसीलिए लगती है बिकॉज उसमें बहुत सारा फैट है और ऑयल है. ओके, सो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं लेना है, बट मॉडरेशन में लेना है. क्यों? बिकॉज उसमें सॉल्ट भी ज्यादा होता है, शुगर भी ज्यादा होता है और
फैट्स. अवॉइड यूज ऑफ एक्सेसिव फैट्स एंड ऑयल. बहुत ज्यादा ऑयली अगर आप बनाते हो तो प्लीज मत बनाइए. और फ्राइड फूड का कंजम्पशन जितना हो सके उतना कम कीजिए. और एक मेन चीज, आप कुछ फ्राइंग के लिए ऑयल यूज करते हो तो काफी लोगों को हैबिट है कि फिर दोबारा वही ऑयल फ्राई के लिए यूज करें. तो जितनी बार वो ऑयल गर्म होगा बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें उतना ट्रांस फैट जो है वो डेवलप होता जाएगा. सो आप जो भी फ्राई के लिए ऑयल यूज करते हो और वो बचता है तो उसका यूज आप तुरंत आटा गूंदने में कर दो या सब्जी या दाल बनाने में कर दो. ओके, उसको वापस उतने ही टेम्परेचर पे गर्म मत कीजिए. बिकॉज अगर आप जितना उसको बार बार गर्म करोगे एक ही तेल को, उसमें उतना ट्रांस फैट जो है वो डेवलप होगा. राइट, सो कंज्यूम गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स विच इज कमिंग फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, नट्स एंड ऑयल सीड्स. कोई सब लोग पूछते हैं कि मैडम हम कौन सा ऑयल यूज करें. सो आई विल से सारे ऑयल अच्छे हैं, बट एक ही ऑयल को ज्यादा टाइम यूज मत करो. अगर आप कपासिया यूज करते हो तो थोड़े टाइम बाद आप सिंग तेल यूज करो, थोड़े टाइम बाद आप सनफ्लावर ऑयल यूज करो. सो चेंज योर कुकिंग ऑयल पीरियोडिकली, प्लस डेली हैंडफुल ऑफ नट्स लीजिए लाइक आलमंड्स, पिस्ता, अखरोट, बिकॉज उसमें गुड फैट्स है जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है. दैट इज गुड फॉर आर मेमोरी. काफी लोगों को भूलने 50 एज के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैं भूल रही हूँ कुछ ना कुछ चीजें. ओके, सो दैट इज नॉट अ मेमोरी लॉस, बट हमारा जो ब्रेन फंक्शन है वो थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट हो रहा है. सो उसको वापस से चैनलाइज करने के लिए रोज बादाम है, अखरोट है, वो सारी चीजें आप खाइए. बादाम का तेल यूज करने से अच्छा है बादाम खाइए. ओके, सो दैट विल एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी. उसके बाद नेक्स्ट कम्स अवॉइड एक्सेसिव शुगर. शुगर जो है वी कैन से दैट वाइट पॉइजन. इंडिया जो है वो डायबिटीज कैपिटल है. मतलब वर्ल्ड के सबसे ज्यादा केसेस जो है डायबिटीज के वो इंडिया में है. क्यों? बिकॉज शुगर, लोगों को स्वीट बहुत ही पसंद है. ओके, सो क्या होगा अगर आप शुगर ज्यादा खाओगे तो उससे कैलोरीज भी बढ़ रही है और आपका वेट गेन हो रहा है. प्लस आपके हेरिडिटी में अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है या फिर आपको पहले से ही हैबिट है ज्यादा शुगर लेने की, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ शुगर एंड शुगरी स्वीट्स कैन ऑल्सो कॉज डेंटल कैरीज अमॉन्ग किड्स. सबके घर में छोटे बच्चे होंगे, स्वीट्स ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, उनको उनके दांत भी खराब होंगे. बट हम ही बच्चों को ब्राइब देते हैं. हम लोग बोलते हैं तुम इतना काम कर लो, तुम इतनी पढ़ाई कर लो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी. सो वॉट वी आर डूइंग, हम लोग उनको चॉकलेट की ब्राइब दे रहे हैं स्वीट्स की, जो उनके दांत खराब कर रही है. सो इससे अलावा हम उनको कुछ और ब्राइब दे सकते हैं लाइक तुम इतना कर लो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, या मैं तुम्हें एक फ्रूट दूंगी. सो एज अ रिवॉर्ड डोंट यूज स्वीट्स. ओके, 2 teaspoons ऑफ शुगर इन अ डे कैन बी कंज्यूम. 2 चम्मच शुगर, आप ऐसा नहीं है बिल्कुल शुगर फ्री रहना है, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है उसको ग्लूकोज चाहिए काम करने. सो दिन में 2 चम्मच शुगर आप बेशक ले सकते हैं चाय कॉफी में. ओके, बट ज्यादा शुगर आपको नहीं लेना है. ओके, अभी बहुत सारे मार्केट में अदर शुगर्स अवेलेबल है, केस्टर शुगर, केन शुगर, वाइट शुगर, क्यूब शुगर. इवन काफी लोग समझते हैं मैं गुड़ या मद खाऊं तो, बट वो सब सेम होता है, सब में कैलोरीज आर सेम. सो इधर यू कैन यूज शुगर और यू कैन यूज जैगरी और यू कैन यूज हनी. द नेक्स्ट कम्स कंट्रोल पोर्शन साइज. पोर्शन साइज मीन्स कितना खाए. ओके, वो भी एक क्वेश्चन होता है ना कि हम बना लेते हैं चीज बट फिर हमें पता नहीं कि हम कितना खाए. हमारी प्लेट में जितना आएगा उतना तो हम खाते ही रहते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी हैव टू डिसाइड कि हमें कितना खाना है, क्योंकि आप हेल्दी चीज भी ज्यादा खाओगे तो उसमें भी कैलोरीज होंगे ही. ओके, सो ऐसा नहीं है कि हेल्दी है तो जितना चाहो उतना खा लो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें ओवर ईटिंग नहीं करना है, बिकॉज ओवर ईटिंग जब आप करते हो तो हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं. एवरी फूड कैन बी एंजॉयड इन स्मॉल एंड लिमिटेड पोर्शन. एज आई टोल्ड यू कि फ्राइड फूड खाओ, मना नहीं है, बट लिमिटेड क्वांटिटी में. कहाँ पे रुकना है वो हमें डिसाइड करना है. आपको हाइड एंड सीक बिस्किट पसंद है तो 5 खाने की जरूरत नहीं, आप 1 बिस्किट को भी एंजॉय कर सकते हो. राइट, सो यू हैव टू अवॉइड द ओवर ईटिंग पोर्शन. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एडिक्वेट स्लीप. खाने पीने की बात तो कर ली, बट उसके साथ जो है नींद बहुत जरूरी है. क्यों? बिकॉज ये अभी हमने इतनी फिजिकल हेल्थ की बात करी, बट स्लीप जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है. आपकी नींद अगर पूरी हो रही है तो आप फ्रेश फील करोगे, आपका दिमाग एक्टिवली काम करेगा. बट अगर आप रात को ठीक से सो नहीं रहे हो या तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आपको दूसरे भी सारे मेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे. सो 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. एडिक्वेट स्लीप अगर आप लोगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, आप थकोगे नहीं.
ओके, बट अगर आपको अच्छे से अगर आप सो नहीं रहे हो तो उससे डिप्रेशन हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है, राइट? सो एडिक्वेट स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज कंज्यूम वेराइटी ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट्स. ओके, हम लोगों को सीरियल सिर्फ इतने ही पता है कि रोटी और चावल, बस गहू गेहूं और चोखा, हमें ये दो ही चीजें पता है. नहीं, बट उसके साथ साथ जो मिलेट्स है, लाइक जुआर है, बाजरी है, रागी है, मकई है, उसके बाद राजग्रा है. सो ये सारे जो मिलेट्स है वो भी हमें डाइट में यूज करना है. हफ्ते में एक या दो दिन बाजरे की रोटी बनाओ, ज्वार की रोटी बनाओ. क्यों? बिकॉज उसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा जो है वो बहुत अच्छी है. सो ट्राई टू कंज्यूम वेराइटी ऑफ सीरियल्स. ओके, मिलेट्स लाइक बाजरा, ज्वार, रागरी, कोदरी, सामो, वो सारी चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज उसमें भी आयरन, कैल्शियम और बीटा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो है वो अच्छे हैं. Consume 7 to 8 servings of cereals and millets in a day. Okay, 7 to 8 servings means सुबह दो रोटी लेते हो, शाम को दो रोटी लेते हो, या थोड़ी खिचड़ी लेते हो, नाश्ते में कुछ सीरियल बेस लेते हो. सो दैट इज इनफ. डू नॉट इंडल्ज इन योर सेल्फ जीरो कार्ब्स डाइट, क्रैश डाइट्स एंड अदर फैट डाइट्स. अभी बहुत फैट डाइट्स चलते हैं फॉर क्विक वेट लॉस, बट उसमें बहुत सारे दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो डू नॉट इंडल्ज योर सेल्फ इन दिस काइंड ऑफ डाइट्स. अगर आपको डाइट करना है सो डू इट विद द कंसल्टेशन ऑफ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट. ओके, यूट्यूब और सारे जो फैड वीडियोज है उसको देख के आप अपने आप को भूखा मत रखिए. अवॉइड यूज ऑफ ब्रेकफास्ट सीरियल्स इन एक्सेसिव अमाउंट. काफी एडवर्टाइजमेंट्स मिसलीडिंग होती है ब्रेकफास्ट सीरियल्स के लिए, लाइक कैलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स. सो उसका यूज अगर आपको सही से नहीं पता है सो डोंट यूज इट. ओके, सो इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है. ओके, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स वॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सभी मेरी संगीनियों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ये सब खाने पीने का ध्यान रखते हैं, बट उसके साथ साथ आप थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करिए. मीन्स आपको जब लंच और डिनर हो जाता है 5-5 मिनट आप थोड़ा घर पे वॉक करिए, 30 मिनट्स आप अपने लिए निकालिए. और अभी तो कोविड है सो आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, बट एटलीस्ट आपका जो टेरेस है, आपका कंपाउंड है, आपकी सोसाइटी के यहाँ थोड़ी जगह होगी, सो प्लीज वॉक करने के लिए जाइए. उससे सिर्फ नॉट फॉर दी वेट लॉस, बट उससे आपका इंसुलिन लेवल बॉडी में अच्छा रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपका मेमोरी लॉस नहीं होगा. सो दीज आर द वेरियस हेल्थ बेनिफिट. सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, योगा है. ओके, सो फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? फॉर द वेट मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट. फॉर हाइपरटेंशन, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो उसको भी वो नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करेगा. प्लस कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको के हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं तो उसको भी मेंटेन करने के लिए इट विल हेल्प. ब्लड शुगर लेवल्स को भी वो मेंटेन करेगा. एंड आपका बोन हेल्थ, आपकी जो हड्डियां जो है वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. नाउ इमीडिएट क्वेश्चन कि कितना वॉक करें हम. ओके, सो आपका वेट अगर सही है तो आपको 150 मिनट्स पर वीक का टारगेट रखना है. मींस आपको 150 मिनट वॉक करना है हफ्ते में. सो आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे रोज में तो इट विल बी हार्डली 20 मिनट्स इन अ डे. ओके, 20 मिनट आप अपने लिए बिल्कुल निकाल सकते हो अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हो. अगर आप जॉगिंग वगैरह साइकिलिंग कर रहे हो तो 75 मिनट्स इन अ वीक इज इनफ. ओके, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो एटलीस्ट आपको 1 घंटा वॉक करना है 5 times इन अ वीक, क्योंकि आपको लॉस करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे. और आपका वेट अगर नॉर्मल है तो 20 मिनट्स विल बी ओके. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज क्विक टिप्स फॉर मेनोपॉजल पीरियड. ओके, काफी जो फीमेल्स है अभी मेनोपॉजल पीरियड में जा रही है या ऑलरेडी है या ऑलरेडी जिनका हो चुका है, सो उसमें भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लाइक हॉट फ्लशेस होता है, नाइट स्वेट होता है, मूड स्विंग होता है, इन्फेक्शन होते हैं. सो उन सबको हम कैसे क्योर करें? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गेट इनफ ऑफ कैल्शियम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका 50 एज हो जाता है उसके बाद आप आपकी गायनेक को मिलके आओ. आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको जरूर कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट सजेस्ट करेंगी, सो दैट आपकी हड्डियां मजबूत रहे. नहीं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, फ्रैक्चर्स होंगे, राइट? सो इनफ कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट. उसके लिए डाइट में आपको क्या करना है? सो जैसे मैंने बोला 500 ml मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हरी सब्जियां जो है वो डाइट में इंक्लूड करनी है. इंक्लूड सोयाबीन एंड सोया प्रोडक्ट्स इन द डाइट एज दे आर रिच इन आइसोफ्लेवोन्स. आइसोफ्लेवोन्स जो है वो हॉट फ्लशेस को कम करने में हेल्पफुल होता है, प्लस हार्मोनल इंबैलेंस को भी वो दूर करता है. सो डीफैटेड सोया फ्लावर जो है वो
आप यूज कर सकते हो. उसके बाद सोया प्रोडक्ट जो है लाइक टोफू, इट इज लाइक अ पनीर, वो यूज करते हो. सोया चंक्स है, उसकी सब्जी बना सकते हो. उसके बाद आता है कंज्यूम हैंडफुल ऑफ नट्स एवरी डे टू मेंटेन हार्मोनल बैलेंस. नट्स का जैसे बोला ड्राई फ्रूट्स, जरूरी नहीं है कि सारे हाई फाई ड्राई फ्रूट्स ही खाने. आपको अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है या नहीं ले सकते हो तो आप सिंगदाना भी ले सकते हो. ओके, पीनट्स. सो बिकॉज उसमें भी मैग्नीशियम अच्छा है, उसमें भी है अदर हार्मोनल प्रोफाइल इज गुड. प्लस अभी जो मार्केट में सीड्स अवेलेबल है लाइक वाटरमेलन सीड्स मिलते हैं, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सो दिस सीड्स ऑल्सो यू कैन कंज्यूम, फ्लैक्स सीड्स. देन द नेक्स्ट इज हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. जैसे बोला पानी बहुत पियो. अगर पानी कम पियोगे तो हॉट फ्लशेज ज्यादा होंगे, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है. सो पानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट. स्टॉप ओवर थिंकिंग. ओके, हमें बहुत टेंशन होती रहती है. लाइक आपके एज ग्रुप में अभी टेंशन होना बहुत स्वाभाविक है. आपको आपके बच्चों की टेंशन है, आपके इन लॉज है, आपके मदर फादर है, उसकी टेंशन है. सो स्टॉप ओवर थिंकिंग. ओके, जितना ओवर थिंक करोगे उतना मेंटल स्ट्रेस आपको आएगा. मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट. ओके, ट्राई टू मेंटेन. आपको तो पता है आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए. ओके, सो ट्राई टू मेंटेन दैट. और आपको लग रहा है कि आपका वेट ज्यादा है, सो टेक द एडवाइस फ्रॉम योर न्यूट्रिशनिस्ट. देन सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, कोला बेवरेजेस है, वो कम खाइए. डिप फ्राइड प्रोडक्ट्स कम खाइए. स्पाइसी फूड ज्यादा मत लीजिए. अवॉइड एक्सेसिव कैफीन अल्कोहल बिकॉज इट विल ट्रिगर द सिम्टम्स. उससे हॉट फ्लशेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे. ओके, सो दिस आर द क्विक टिप्स फॉर द पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड. सो आई एम डन फ्रॉम माई साइड. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो. हेतल जी, आपको जब भी आप मुझे बोल सकते हो आपको क्वेश्चंस कब रखने हैं. लास्ट में अगर हमें क्वेश्चन आंसर रखना है सो मैं लास्ट में भी क्वेश्चन आंसर ले सकती हूँ. आपके पास आपका जैसा टाइम है, प्रोग्राम है, वैसा आप मुझे बताइए. थैंक यू निकिता जी. निकिता जी, हम अपने लास्ट में ही रखते हैं क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम. ओके, थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे एंड में पूछ सकते हो. एंड फॉर द डिटेल्ड आपको कंसल्टेशन वगैरह चाहिए सो आई विल ड्रॉप माई नंबर टू नीलम शाह. आप उनसे मेरा कॉन्टैक्ट लेके आपको बाद में मुझसे कुछ डिटेल कंसल्टेशन चाहिए सो आई विल बी अवेलेबल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच निकिता for giving useful information to all of us. आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए यूजफुल रहेगी. थैंक यू निकिता मैम. थैंक यू. अब मैं अपने सेकंड स्पीकर को इनवाइट करूं. उससे पहले हम अपने टैलेंटेड पार्टिसिपेंट संगिनियों का सेकंड वीडियो देखते हैं. नीलम जी, निकिता मैम ने
वाह, बहुत ही शानदार प्रयास किया है आप सभी ने। आपका प्रयास वीडियो में दिख रहा है। तो चलिए अब मैं अपने सेकंड स्पीकर को इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम डॉक्टर कोमल चौहान जी को। कोमल मैम प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू सो मच हेतल बेन। जय जिनेंद्र टू ऑल। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी थैंक ऑल द संगीनी समाज मेंबर्स, former founder, president, former presidents, and all the EC member, especially the current president Neelam Bin and secretary Shivani Bin, and all the other EC executive committee members who are handling this program so nicely. आपने जो ये प्रोग्राम बनाया है, इट सीम्स की इतनी बड़ी आपकी फैमिली है संगीनी ग्रुप की, और इन हाउस जब ऐसे इकट्ठा होते हैं तो मुझे हमेशा से लगता आया है कि फीमेल को चुप रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एज आई हैड हर्ड अर्लियर शुरुआत में कि सब एक दूसरे को काफी टाइम के बाद मिल रहे थे। सो मैंने नीलम बेन को बोला भी था कि दो बड़े लेक्चर्स होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एवरीबॉडी। सेकेंड, कंट्रोल नहीं होता है तो फीमेल का अटेंशन पावर बहुत शॉर्ट हो जाता है और छोड़ देते हैं बीच में से। और दूसरा काम, अपने हमेशा फीमेल आर सो मच प्रेशराइज विद द वर्क कम्प्लीशन पार्ट की थोड़ा टाइम मिला है तो वीडियो बंद करके ऑडियो बंद करके ये काम कर लू वो काम कर लू, बट दिखाने के लिए इधर बैठते हैं। आई एम नॉट टेलिंग एवरीबॉडी इज डूइंग लाइक दिस। It has this tendency. So I am very happy ki you are being all here, and khas karke maine aisa bhi suna ki aapka Facebook pe bhi bahut acha page hai aur activity ka profile chalta hai. Please aaj kuch YouTube pe bhi aap program live karne wale the. So it seems Sangini program members are all around the India level pe thode bahut jude hue hain. So I thank you all of you to join us and be with us for this program. Thinking of this type of program itself is very important, and thinking for yourself becomes more important. सबके लिए तो सोचते ही रहते हैं फीमेल खास करके, लेकिन जब खुद के लिए सोचना होता है तब वो लोग कहीं ना कहीं या तो आलस करते हैं या तो ऐसा समझते हैं कि मारू तो बदू थाई जैसे हो जाएगा मेरा तो सब कुछ। तो नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए खुद के लिए भी सोचना है। सो मैंने ऐसा बोला था नीलम बेन को कि जो भी निकिता मैडम बोलेंगे उसके बाद मेरा जो इतने साल का 50 साल का एक्सपीरियंस रहा है और ये फील्ड में जो 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने हमेशा से देखा है कि फीमेल हमेशा खुद को बहुत निग्लेक्ट करती है। एंड सेकेंडली, मैंने जब आपने जैसे सुना कि रिसर्च करते हुए मैं जीरियाट्रिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेने लगी। जीरियाट्रिक यानी ओल्ड एज न्यूट्रिशन, 60+ उम्र के बाद जब न्यूट्रिशन की जरूरतें अलग हो जाती है या डिफरेंट हो जाती है तो उसमें क्या तकलीफ आती है और उसमें कैसे न्यूट्रिशन टेक केयर करना चाहिए। इसका मैं जब संशोधन कर रही थी तो बाय द टाइम 10 साल हुए तब भी पता चलने लगा कि 60+ को टारगेट अगर करना है अच्छा फूड एंड न्यूट्रिशन का प्रोफाइल तो पहले से ही उनको बताना पड़ेगा। 60 में आने के बाद तो काफी कुछ अगर बिगड़ गया है तो रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैंने 50s का यानी प्री जीरियाट्रिक ग्रुप का स्टडी शुरू किया और उसमें भी काफी रिसर्च करते करते पाया गया कि काफी लोगों को जैसे जनरेशन में एज बढ़ रही है सबकी, जैसे बोल रहे हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ रही है लेकिन उम्र के साथ जी तो रहे सब लोग, उम्र के साथ सबको प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं। सो मेरा एक रिसर्च था 100+ ईयर्स लोगों को स्टडी करना जिसमें मैंने 80 से 100+ के लोगों को, हाईएस्ट 104 ईयर्स का था एट दैट टाइम बड़ोड़ा में ही, तो उसमें ऐसा ही पाया कि जो लोग बहुत अच्छी हेल्थ के साथ लंबा जी रहे हैं वो लोग के कुछ डिसिप्लिन मैनर ऑफ जीना है, जो लोग बहुत अनडिसिप्लिन मैनर में या हमारे बहुत सारे जो नहीं क्रॉस करे हुए जो फैक्टर्स है उसके साथ जी रहे हैं वो लोग बहुत जल्दी बहुत प्रॉब्लम्स के साथ जीते हैं। यानी यंग एज में डिफिकल्टीज के साथ जीना, इलनेसेस के साथ जीना, एंड वेरी यंग के अगेंस्ट का ओल्डर एज में बहुत परफेक्ट
न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ जीना. एंड देयर ऑल्सो अगेन आई सेड कि इट इज डिफिकल्ट कि हम लोग 60s के बाद अपने आप को चेंज करें. तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगा कि आज का जो हमारा ग्रुप है 35 प्लस ज्यादातर लोग या 40 प्लस ज्यादातर लोग, तो उनको मैं ऐसा बताऊं कि एल्डरली तक अच्छा अगर जीना है तो क्या करना चाहिए. सो आई हैव मेड ट्राइड टू कंपाइल माय प्रेजेंटेशन. अभी अभी मैंने थोड़ा हिंदी का अटेम्प्ट किया है, बनाया हुआ जो खुलता है अगर तो मैं हिंदी में प्रेजेंट करती हूँ, नहीं तो फिर हम इंग्लिश का मेरा वर्जन है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ. सो जस्ट लेट मी नो. Are you able to see this slide? Yes, we can see. We can see. हाँ, नीलम बेन क्या पढ़ाई में आ रहा है आपको? स्वस्थ बुढ़ापे के लिए सरल सीढ़ी. ओके, तो that means font दिख रहे हैं सबको. So I'll go about this. So ये स्वस्थ बुढ़ापे में बुढ़ापे के बाद हो जाने के बाद की नहीं, लेकिन अभी से अगर ये सीढ़ी सीख जाएंगे तो हमारा अभी का जीवन के साथ till whatever age you wish to be happy and healthy living वाला, वो तब तक आप अच्छे से जी सकते हो. So, उसके लिए मैंने ये कंसेप्ट लिया था जो लेडीज को बहुत पसंद होता है कि उनके पास एक नवरत्न हार हो. So, ये नवरत्न हार मिल सकता है, लेकिन ये नवरत्न इधर खाली अलग अलग है, वो रत्न को हमको अपनाना है आज. फर्स्ट प्ररत्न योग्य आहार हुआ जो निकिता ने, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, बहुत अच्छे से कंसेप्चुलाइज करा उसने एक एक पॉइंट और अच्छे से आपको बताया है. सो ये थाली का कंसेप्ट मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से इंडियन ट्रेडिशन रहा है कि कहीं भी कोई भी स्टेट में जाएंगे तो थाली होती है. सो सेम वे थाली एक ट्रेडिशनल खाना है, वो आप रखे भले ही आप भले अलग अलग क्यूजिन बनाना जानते हो आज, बिकॉज घर में बहुत यंग बच्चे हैं तो आपको नेचुरली अब इंडियन, हम पहले हमारा जमाना था जब हम लोग 20s के थे और बाहर खाना खाना चाहते थे तो हम लोग पंजाबी या एट द मोस्ट आउटसाइड कंट्रीज में चाइनीज फूड के लिए बोलते थे. लेकिन अभी कैसा हो गया है कि लेबनीज चलता है, मैक्सिकन चलता है, इटालियन चलता है और जापानीज तक का क्यूजिन. Means ki people ka taste adaptability is becoming so fast as they are growing. Ye young group ka hai. Lekin wo bhi mera aisa manna hai ki traditional food hamara hamesha routine rehna chahiye. Kabhi kabhar agar aapne ye banaya different item to chalega, kyunki wo different item mein aap dekhoge ki kahin na kahin salt, sugar, spices bahut jo तीखे गरम मसाले हैं वो, और ऑयल खराब ऑयल यानी कि एनिमल फैट का बहुत यूज होता है विच इज नॉट गुड. अगर हमको पसंद भी आ गया, अच्छा बना भी लेते हैं, लेकिन फिर वो आदत बन जाती है कि हर, आप अभी भी देखना आपके घर में जो अगर यंग बच्चा है तो उसके घर में एक वीक के अंदर एक से दो बार नई रेसिपी नहीं बने तो दे डोंट लाइक इट, मोनोटोनी लगती है. और आजकल तो रहते रहते ही बच्चे इतने उब जाते हैं कि ये क्या लाइफ हो गई, तो बाहर जाना खाना खाने जाते थे, इससे अच्छा घर में बनाते. घर में बनाते बनाते इतनी ज्यादा कि मोर और लेस कोई ना कोई फूड में इतने सारे सॉसेस यूज करते हैं, चीज यूज करते हैं, बटर यूज करते हैं, मेयोनीज यूज करते हैं कि अल्टीमेटली वो फूड अनहेल्दी ही हो जाता है. So, ये जो उन्होंने बताया था पिरामिड बहुत अच्छे से, उसी का मैंने इधर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. और खास करके जिन लोग को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जठर की बहुत सारी बीमारी है, उन लोग के लिए हितावह है कि जो हम लोग ओल्ड एज में बोलते हैं वैसे ही कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा बार लें तो आपका जठर उस हिसाब से हैबिचुलाइज होगा और डाइजेस्ट कर पाएगा. Instead of बहुत heavy food खाएंगे और digest नहीं होता, acidity होती है, इससे अच्छा थोड़ा हल्का खुराक का ज्यादा टाइम ले तो बेटर रहता है. और उसके अलावा जो उन्होंने जो चीजों की खास ध्यान रखने को बोला है वो सब चीजों में बहुत ध्यान रखना है. So I will not describe those things much here.
सब थोड़े कंसेप्ट्स मेरे हिसाब से ज्यादातर वुमेन के मन में आते हैं, तो वो मैं बता दूं। खास करके जिनको घर में खुद नहीं है लेकिन डायबिटीज घर में किसी व्यक्ति को है, तो उसमें ये ध्यान रखने की चीजें है कि वही चीजें जो खाते आए हैं उसको हम कैसे दिया दे, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर जो एकदम खाने से शूट होती है ब्लड के अंदर, उसको कम करने की जरूरत हो जाती है। तो वो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उपमा बनाते हो तो सूजी या रवा को सेकना नहीं है और ऊपर से जितना हो सके अंदर वेजिटेबल डाल के खाना। ये सब चीजें पहले दिन से सबको नहीं पसंद आएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि सूजी को सेके बर्गर कैसे उपमा होगा। आराम से बन सकता है लेकिन आपके मन की एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और सबको वैसे ही बना के खिलाना है ताकि धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेने लगेंगे। पोहा है तो वेजिटेबल्स डालो, प्लेन रोटी की जगह आप सोया पॉसिबल है या आजकल तो बहुत सारे अलग आटा आने लगा है, अलग अलग अनाज का वो मिक्स कर सकते हो, या फिर अभी ज्वार मकई या रागी ये सब का उपयोग कर सकते हो। थेपला में भी हो सके उतना ज्यादा, खाली कहने को थेपला है लेकिन अंदर बहुत कम वेजिटेबल्स है या मेथी है तो ये नहीं चलेगा। डोसा साउथ इंडियन रेसिपीज आर बेस्ड ऑन मोस्टली राइस, तो डायबिटिक्स को राइस कम बताया गया है, तो उनके लिए बहुत जो हम पीसते हैं भिगोने के बाद या मिक्सर में, तो वो बहुत फाइन बैटर नहीं बनाना है, उसका खीरा है बहुत एकदम स्मूथ नहीं बनाना है, थोड़ा करकरा रखें ताकि शुगर लेवल उतना शूट नहीं होगा। सेम वे ढोकले में भी आपको करना है, हो सके तो जब खाते हो तब ग्रीन चटनी के साथ खाए इंस्टेड ऑफ कोई नई पैटर्न की चटनी या डिप। देन ब्राउन ब्रेड का यूज करें एंड राइस के अंदर जितना हो सके वेजिटेबल का यूज करके खाए तो बेटर होगा। आपको खाली दिन में 5 चम्मच छोटी चम्मच ऑयल अलाउ है, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा ऑयल लेना है, और बताया गया है कि एक ऑयल पे नहीं रहना है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल रखो तो बेटर है। कॉम्बिनेशन में मिक्स करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप तलने के लिए एक तेल यूज कर सकते हैं, वगार के लिए एक यूज कर सकते हैं, ऐसा सब चेंजेस कर सकते हैं। और हर 3 या 4 महीने में जब चेंज होता है, जैसे सपोज 5 लीटर वाले क्या है, तो न्यू ऑयल का कंजम्पशन यानी नया कोई ऑयल चूज कर सकते। सो फैट का क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 or more ऑयल कॉम्बिनेशन करो। सैचुरेटेड फैट का उपयोग बहुत कम कर देना है, नहीं नहीं करके बहुत सारे चीजों में डालते हो तो नहीं चलेगा। ट्रेडिशनली हम लोग चावल में या खिचड़ी में डालते थे या रोटी में थोड़ा डालते थे, दैट वॉज मच मोर इजियर, लेकिन वो बंद करने के बाद पता चला कि बहुत सारी जगह बटर यूज कर रहे हैं, सब्जियां ही बटर में यूज बन रही है क्योंकि स्टेटस है या सीख रहे हैं हम लोग और वही टेस्ट पसंद आ रहा है। बहुत सारी चीजों में चीज डाला जाता है और नए फैट जो मार्केट में आ रहे हैं वो डाले जाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। फ्रूट वेजिटेबल का भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, उसका खास कारण यही है कि उसमें इतनी फाइबर होती है कि जिससे दूसरी फूड की कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे आप ब्लड शुगर को एंड लिपिड को यानी कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्स्टिपेशन अगर आप के पेशेंट हो तो उसके लिए बहुत रिलीव होता है और वो जल्दी पचता नहीं है, यानी सटाइटी वैल्यू स्टमक के अंदर अच्छी रहती है जिससे जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और ट्रेडिशनल खाना खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा कलर कंसेप्ट अच्छा रहता है, सभी तरीके से हमको कॉम्बिनेशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ट्रेडिशनल फूड में इतने कलरफुल फूड्स होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन डी सेटिस्फाई करते हैं। और क्या ध्यान रखना है, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लो, 1 छोटी चम्मच सॉल्ट पर डे जिसको हाइपरटेंशन नहीं है उनको अलाउड है, और हाइपरटेंशन है तो उससे भी कम लेना है। अब आप सॉल्ट कम कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आप चटनी खा रहे हो, पिकल खा रहे हो, पापड़ खा रहे हो तो नहीं चलेगा, ये सब भी बंद करना है। चीज, पीनट बटर, सॉल्टेड बटर ये सब में सॉल्ट आता है, बेकिंग पाउडर का कोई भी चीज सॉफ्ट बना के खिलानी है, अभी बारिश आएगी और उसमें भज्जी बनाने हैं उसमें सोडा के बगैर तो कैसे सॉफ्ट होगा, ऐसा गलत
समझ है, आप रूटीन में ये सब यूज मत करो. समटाइम्स कोई खास प्रसंग के लिए या कोई ओकेजन के अलावा घर में कोई आ रहा है, पैंडेमिक में तो वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमको ही वो आदत हो गई सॉफ्टनेस की, इसलिए आदत खराब आदत को कंटिन्यू मत रखो. और हो सके तो थोड़ा कड़क बनेगा लेकिन एडप्ट कर लो वैसा वाला खाना. देन दूसरा रत्न है योग्य मात्रा में जलपान करें, क्योंकि उससे बहुत इम्पोर्टेंट फायदे हैं. आपकी त्वचा जो है वो हेल्दी रहती है. एज द एज इंक्रीजेस आप ऑब्वियस देखने लगोगे कि आपकी स्किन में बहुत फर्क आने लगता है. फीमेल हैव टेंडेंसी टू एवरी टाइम से, ये तो उम्र होती है तो ये सब तो होता ही है. नो, इट इज नॉट नेसेसरी. अगर आप भी ध्यान रखते हो, केयर करते हो, तो आपकी त्वचा भी उतनी अच्छी होनी चाहिए. लेकिन हाइड्रेशन लेवल नहीं करा और आपने कितने भी क्रीम लगा लिए या आपने कितने भी बार मैनिक्योर पेडिक्योर करा लिया, कोई मतलब नहीं है, वापस वही स्टेटस में आ जाओगे. सो पानी की मात्रा अच्छे से नियंत्रण में होनी चाहिए. फीमेल को इवन हेडेक बहुत जल्दी होता है. इसमें भी एक कारण ऐसा पाया गया है कि उससे पानी की मात्रा कम हो जाती है तब भी हेडेक के प्रॉब्लम बढ़ते हैं. अल्टीमेटली इट बिकम्स अ हैबिट एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स एन एडिक्शन. एडिक्शन यानी कुछ भी हुआ, हेडेक हुआ, दवाई ली तो ही कम हो जाएगा. एंड मैंने पानी की कमी से क्या क्या होता है बहुत सारा कुछ लिस्ट डाउन किया है, जो आप अपने आप को ही इवेल्युएट करो कि क्या मुझे ऐसा होता है. तो एक कारण ये हो सकता है कि पानी कम लिया गया है. आप पानी के अलावा अलग अलग फॉर्म में भी ले सकते हैं. जूसेस, सूप्स का पॉसिबिलिटी है. जूसेस में खाली फ्रेश फ्रूट जूस खुद बनाए तो ठीक है, बाहर के रेडीमेड फ्रूट जूसेस नहीं बराबर है, बहुत शुगर होता है, इसलिए वो नहीं चाहिए. चाय का अलावेंस, कॉफी का अलावेंस खाली 2 कप पर डे इज फाइन, उसमें आदत करने की जरूरत नहीं है. थर्ड रत्न है स्वच्छता. स्वच्छता यानी क्लीनलीनेस ऑफ योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग. तो ये आजकल जैसे आपने देखा है कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम का रोग अलोंग विद द कोविड देखने को मिल रहा है, उसमें ये एक कारण है. बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण ये है कि स्वच्छता नहीं है तो ये फंगस आपके आंख, नाक या मुंह तक पहुंच गया. सो ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ भी घर में जहां भी खाने की चीजें खास रखते हो, स्टोर करते हो, बना रहे हो, वो सब प्लेटफॉर्म में एकदम क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए. आप भले ही समझते हो कि क्लीन है, दिखने से ही सब कुछ क्लीन नहीं होता है, तो रूटीन में आप जो कपड़े से या स्क्रब से या स्पंज से धोते हैं उसको साफ रखिए या बारी बारी उसको चेंज करते रहे तो अच्छा है. Then another diamond is व्यायाम, exercise, which is very very important. क्योंकि as you age, female का body, मैंने इधर photo नहीं रखा है, लेकिन pear shape का body होता है या apple shape का body हो जाता है. यानी particular जो shape में female हमेशा रहना चाहती है वो after certain age नहीं रह पाती है. And that is because की उनकी activity धीरे धीरे कम होने लगती है. एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन वो घर में ही पूरा दिन कर रहे हैं. सो एक्सरसाइज नहीं होती है. जितनी लोअर यानी आपके कमर के नीचे की बॉडी की होनी चाहिए वो नहीं होती, क्योंकि बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इसलिए जोड़ों की तकलीफ, मोटापा, डिप्रेशन ये सब बढ़ रहा है. काफी हो सकता है कि आपके फैमिली में, रिलेटिव में, कहीं बहुत जान पहचान वालों में आपके कोविड इम्पैक्ट आया है, तो उससे भी दूर रहने के लिए वन ऑफ द स्टिमुलेटिंग एनर्जी गिविंग थिंग इज डू एक्सरसाइज रेगुलरली. और जिसके फायदे हैं कि आपके मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, पाचन क्रिया में बहुत सहायता करते हैं. इधर मैं खुद को भी अपने आप को नोटिस करती आई हूँ कि मैं जितना एट द एज ऑफ 30s 40s खा सकती थी और एक्सरसाइज कर सकती थी, आफ्टर 50s धीरे धीरे कम होने लगते हैं. और मैं हमेशा बहाना दिखाती हूँ कि बारिश आई इसलिए नहीं आ पाई, बहुत जल्दी उठ नहीं पाई, मुझे बहुत सारे दूसरे काम देखने हैं, छोटे बच्चों को देखना है, एंड हजार हमारे पास बहुत सारे कारण आ जाते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी. सो आप खाली सुबह एट द मोस्ट थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला देते हो और
प्राणायाम कर लेते हो उसको आप समझते हो कि फायदे हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते हैं। और जो पहले खाते थे उससे भी कम मात्रा में खा रहे हो तो भी मोटापा बढ़ रहा है। उसका मतलब है जो निकिता मैडम ने बताया कि एक वीक में कितनी इंटेंसिव एक्सरसाइज और कितनी हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो दैट यू हैव टू फॉलो। खास करके ये ग्रुप में, संगीनी ग्रुप में जो 50+ एंड यस मार्क माई वर्ड्स मेनोपॉज स्टार्ट्स एट 40, 42, 45 एज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन हेरिडिटी क्या है, आपकी मदर्स में ऐसा हुआ पाया गया तो आपको भी हो सकता है। तो एट द एज ऑफ 42 कई लोग को मेनोपॉज आता है एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से जितना कम खाते हो तो भी फैट एक्युमुलेशन बढ़ता जाता है, अल्टीमेटली यू कम अंडर द पावर ऑफ डिप्रेशन और वो आपको हावी कर लेता है बिफोर यू गेट हावी बाय डूइंग व्यायाम। तो आपको व्यायाम करके सबके ऊपर हावी होना है कि ये आपके बॉडी में नहीं घुस सकता है, स्फूर्ति बनाए रखनी है। पहले 10 मिनट किया, धीरे धीरे एक वीक के बाद 15 मिनट किया, फिर 20 मिनट किया, फिर आपकी इंटेंसिटी 30 मिनट की आ जाए तो ठीक है। आप पहले दिन से करने जाओगे तो थक जाओगे और फिर हताश होके बैठ जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट इज डॉक्टरी जांच, अगेन आपके पूरी फैमिली में एंड योर सेल्फ, खास करके फीमेल योर सेल्फ, यू हैव टू टेक केयर की डॉक्टरी जांच रेगुलर होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपको कुछ हो रहा है कि नहीं। आज का दौर अलग है सिंस लास्ट वन ईयर और वन एंड हाफ ईयर पैंडेमिक की वजह से वी डोंट टेल एवरीबडी टू गो एंड गेट द चेकअप डन, बट जैसे ही मौका मिले आपको आपके रिपोर्ट्स पता होने चाहिए। जितना आपको दूसरे सब चीजों के बारे में पता है कि किसका सेल आ रहा है, किसके फूड्स का अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, या वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड, आपकी हॉबीज, उतना ही आपकी खुद की बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, आपका बीपी कितना है, शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका वेट कहाँ से बढ़ रहा है, पोजिशन कौन सी पोजिशन में आपको तकलीफ होती है, नीचे बैठ के उठ सकते हो, जमीन पे बैठ सकते हो, कितनी देर बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो, तो इसका हल ये नहीं है कि मैं ना जमीन पे नहीं बैठू, अब से खाली चेयर में बैठू। हल ये है कि डॉक्टर को बताने के बाद, आई डोंट से कि विदाउट आस्किंग डॉक्टर, फिजियोथेरापिस्ट या आपके फिजिशियन को, उनको पूछ के आप एक्सरसाइज करें, लेकिन करना जरूरी है। इसलिए भी डॉक्टरी जांच जरूरी है, क्योंकि उसी में से पकड़ में आएगा कुछ तकलीफ जो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ गई तो बाद में आप इजीली उसको ओवरकम कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। अर्ली डायबिटीज अगर पता चल जाता है तो उसको सही ट्रीटमेंट से बंद या अवॉइड या टोटली डिले या इवन हम बंद कर सकते हैं, बंद यानी डायबिटीज चला गया ऐसा भी देखने में मिलता है, जिसको हनीमून डायबिटीज बोला जाता है। लेकिन अगर पहले ही ध्यान नहीं रखना है कि मैं जांच कर रहा हूँ तो पता चलेगा ना कि है, और आएगा तो फिर मुझे डिप्रेशन आएगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेगी, नो, उससे प्रॉब्लम खाली डिले हो रहा है लेकिन जब आएगा तब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन लेके आएगा, तो आपको ये नहीं करना है। मेडिटेशन नेचुरली आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे, दिस इज जस्ट माय पॉइंट कि इट इज वन ऑफ द गुड डायमंड विच यू हैव टू फॉलो, मानसिक शांति एकाग्रता बढ़ाने के लिए, बिकॉज एज यू एज कई बार जिनका बहुत माइंड यूज होता आया है ऐसे लोगों को भी पाया गया है कि आफ्टर सर्टन एज उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी पे इम्पैक्ट आता है, जिसको डिमेंशिया बोला जाता है, और अल्जाइमर्स अल्टीमेटली आता है। ये नहीं हो उसके लिए भी ये सब करना पहले से जरूरी है, ताकि राइट टाइम पे पता चले और उसके ऊपर आप काम करते रहो। तो ध्यान, मेडिटेशन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्यसन तो नेचुरली आप लोगों में दूसरे व्यसन नहीं होंगे, लेकिन चाय कॉफी या कार्बोनेटेड बिवरेज के अगर कुछ है कि उससे पिज्जा आया है तो उसके बगैर, जूस के बगैर तो चलेगा ही नहीं, कोला चलो नहीं लेते हैं लेकिन फ्रूट जूस तो ले सकते हैं ना, और फ्रूट जूस में इतने सारे लोग में कौन खुद बनाने बैठेगा, ये सब बाजार से लाएंगे धोएंगे ये सब करेंगे, तो रेडी फ्रूट जूस, एम्पल वेराइटीज ऑफ फ्रूट जूसेस आर अवेलेबल। तो ये एक आदत बन जाती है कि बर्गर या कोई भी वेस्टर्नाइज चीजें खाई तो उसमें जूस चाहिए। फिर एक वेस्टर्न की स्टाइल भी है कि खाना खाने के बाद कॉफी पीनी होती है,
तो ये सब अल्टीमेटली इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट. इधर जो एनवायरमेंट है उसमें ये सब जरूरी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी आदत पड़ जाती है और वो आदत फिर आगे जाके लंबी टाइम के बाद कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है. एंड आई एम श्योर एसिडिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेजोरिटी ऑफ केसेस. आपके में से भी अगर है, ये एक कारण हो सकता है कि कोई ऐसी चीज फूड के अंदर है जिसकी आपको जरूरत पड़ जाती है और उसकी नहीं मिलने से भी या उसकी एक्सेस आने से भी, क्योंकि एलर्जी कंडीशन हो गई कि थोड़ी मिर्ची खाई तो भी एसिडिटी हो गई. तो ऐसे समय में अगर आप उसका चयन बंद कर दो तो अच्छा है. देन पारिवारिक फायदे. अभी आई एम श्योर कि संगीनी इज अगेन अ काइंड ऑफ कि आपका एक परिवार है. ऑल मेंबर्स आर मस्ट बी नोइंग मोर और लेस कि एक दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है. कोई तकलीफ में तो उसको ऑनलाइन ही और फोन से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम आपके परिवार के साथ भी होना चाहिए. यू आर मोर अटैच टू संगीनी ग्रुप एंड आप घर के फैमिली मेंबर से डिटैच हो रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो आपके परिवार में ज्वाइंट फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके साथ एक दूसरे के साथ रह के क्या किसकी पसंद है ना पसंद है वो जान के एकदम एक्सटेम्पो आपको सबके साथ मिलके बात भी करनी चाहिए कभी कभी कि किसको क्या एक्सपेक्टेशन है. क्योंकि फीमेल ओनली ऑलवेज से कि मैं मुझे कोई पूछा नहीं जाता है, मुझे खाली बताया जाता है या बोला जाता है ऐसा करो ऐसा नहीं करो तो मैं क्या करूँ. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कारण ऑफ डिप्रेशन. नहीं, आप अपना पॉसिबल है तो मौका मिले या ओपनली यू शुड डिस्कस विद पीपल. और एज यू एज दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ये खास करके एल्डरली में आपके घर में जितने भी जिन लोगों के भी घर में एल्डरली अगर है तो उसमें देखा गया है या जानोगे अगर पूछोगे तो कि जब भी आप बात करते हो, जैसे चाइल्ड ने अपने दादा से बात करी कि आज व्हाट्सएप में ऐसा आया है या उनको खुद को फोन दिया गया है तो दे आर ऑलवेज हैप्पी. लेकिन अगर आइसोलेशन में रखा है कि आपको क्या पता चलेगा इससे, लैपटॉप में आपको कैसे पता चलेगा उसके, क्योंकि उनको उसके बटन्स दबाने नहीं पाते हैं बिकॉज उनकी मोटर स्किल्स तकलीफ होती है, तो ये अच्छा नहीं है. उनको दिखाई नहीं देता है ठीक से तो पूछ पूछ करते हैं, तो ऐसा नहीं. आप उनको सपोर्ट करो, सेम वे आपको भी वो सपोर्ट करेंगे और आप भी एक दिन एल्डरली बनोगे तो ये सब प्रॉब्लम पता चलता है. तो प्लीज बी विद देम. एंड लास्ट इज आनंदमय प्रवृत्ति जो आप अभी कर ही रहे हो. आप कोई भी सामाजिक या धार्मिक ग्रुप में हो तो उसमें एक्टिव रहो, खाली ज्वाइन होना नहीं. इफ यू ट्राई, आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या तो सब अटेम्प्ट करते ही होंगे कि ग्रुप में जिसकी कोई भी टैलेंट है उसको बाहर लाने की कोशिश करो. भले ही वो टैलेंट उसको डर लग रहा है लेकिन उसको एक मौका दो. ये एक टाइम है कि ऑनलाइन में शायद वो टैलेंट दिखा भी दे, तो वो एक मौका दो उनको. जो भी आता है, वोकल म्यूजिक में पसंद है या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है या गाने का आता है, जो भी पॉसिबल ऑनलाइन होता है उसका एक्टिविटी करो. बिकॉज आजकल तो मैंने देखा इवन भरतनाट्यम और कथक वगैरह भी ऑनलाइन ही चलता है, उसकी एग्जाम्स चलती है, तो हम ये सब क्यों नहीं कर सकते. और फीमेल की बहुत सारी टैलेंट होती है. मैंने आपके फूड के वीडियोस में देखा कि काफी लोग ने कार्विंग फूड की बहुत अच्छी की थी, सलाड इतनी अच्छे से डेकोरेट किया था. शायद हम भले ही फूड एंड न्यूट्रिशन से हैं लेकिन हमको नहीं आता होगा, उतना अच्छा आप कर सकते हो. तो दैट इज वन ऑफ द टैलेंट. सो स्किल सब में अलग अलग होती है, खाली बाहर लाने की जरूरत है. और आपको भी सामने से बोलना है कि मुझे ये करना है, ये मुझे पसंद है, मुझे एक मौका दीजिए, तो ये कर पाएंगे. सो अल्टीमेटली दिस इज आपके नौ रत्न विच इज हेल्पिंग यू टू रिमेन हैप्पी एंड हेल्दी. सो इन द डिपार्टमेंट आई रन अ न्यूट्रिशन काउंसलिंग सेंटर. एंड फॉर योर नॉलेज ये डिपार्टमेंट का सेंटर ऑनलाइन आजकल चलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट बड़ौदा पीपल के लिए खास करके. तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरा नंबर दिया है या मेरे डिपार्टमेंट में हमारी पूरी टीम है जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उस हिसाब से मैं काउंसिलर्स के पास आपका प्रॉब्लम रखूंगी
वो लोग आपके पास से आपके रिपोर्ट्स मंगाएंगे, जो भी जरूरती चीजें हैं वो व्हाट्सएप पे टॉक करके बताएंगे, चैट करके बताएंगे, और इससे आपका हम काउंसलिंग जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। एंड अगर आपने जस्ट अ सेकेंड, आपने अगर इसमें से कोई आपको क्वेरी लगती है तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत निकिता ने आंसर किया होगा ऑनलाइन। आई विल ऑल्सो ट्राई कि चैटिंग में ही अगर कोई क्वेश्चन है तो लिख लूं, अदरवाइज फोन मेरे नंबर्स है, आप मुझे लिख सकते हो एनी टाइम, आई कैन आंसर यू, रिप्लाई यू, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑल्सो फॉर एनी टाइप ऑफ अदर टाइप ऑफ काउंसिलिंग प्रोग्राम इफ यू वॉन्ट। So I hope I have covered most of the things which is one very much required for the day. And sab log jante hain ki you are what you are eating. So aap jitna positive sochte ho, humble, polite, kai ego, positive ego, negative ego, harsh language kisi ki hoti, ye sab apna khane peene ke upar se aata hai। जैन में तो ये काफी कुछ जो हार्श रूडनेस ये सब है वो ऐसे वाले फूड तो खाते ही नहीं, बराबर। सो ये आनी ही नहीं चाहिए कहीं भी, लेकिन स्टिल अगर कुछ भी है तो यू कैन ऑल्सो आस्क अस की, बिकॉज काउंसिलिंग में कहीं ना कहीं फूड अगर रिलेशन में आता है तो वी आर देयर टू काउंसिल यू एंड विल बी हैप्पी टू काउंसिल यू। टूडे वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम यू इज कि आप ग्रुप में एक्टिव हो, ऐसा भी सोचते हो, कुकिंग शायद हम नहीं करते होंगे उससे भी ज्यादा आप कुकिंग करते होंगे, और ट्राइंग एवरीबॉडी टू मेक हैप्पी। एंड मेरे से जो अगर आपने कुछ सीखा है तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट, नहीं अगर पता चला है तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कोमल मैम, आपके द्वारा दी गई 9 रत्नों की जानकारी से 40 प्लस वाली हम 40 या 40 प्लस वाली हमारी संगीनी है, ये यूज करके अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में और अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी बना सकती है। तो थैंक यू निकिता और सॉरी थैंक यू कोमल मैम। अब मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्रीमती रूपाली बेन शाह को इनवाइट करती हूँ। रूपाली बेन एक मिनट, नीलम दूसरा हो। हाँ कर दे, एक मिनट, ये क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाने के बाद कर। यस थैंक यू एतम एंड थैंक यू डॉक्टर कोमल एंड निकिता जी। कुछ सवाल है जो हमारे मेंबर्स पूछना चाहते हैं। नीलम जी शाह ये जानना चाहती है नॉर्मल शुगर और ब्राउन शुगर के बीच में क्या फर्क है। नॉर्मल शुगर जो है दैट इज द शुगर विच इज मेड अप फ्रॉम गन्ने का जूस जो होता है उसमें से बनता है, दैट इज अ प्रोसेस्ड शुगर। एंड ब्राउन शुगर जो है, जो आपका नॉर्मल शुगर है उसी को रोस्ट करके, इट इज अ प्रोसेस्ड, वन स्टेप मोर प्रोसेस्ड शुगर। और जो ब्राउन शुगर होता है वो कैरेमलाइज होता है। सो अगर आपको कैरेमल फ्लेवर देना है लाइक आइसक्रीम, केक्स, कुकीज, तो उसमें ब्राउन शुगर का यूज होता है। और जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं दैट इज अ नॉर्मल शुगर। एंड एज फार एज आप दोनों का कैलोरी और कार्ब्स कंटेंट का मुझे पूछोगे, सो बोथ आर सेम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कविता शाह जी ये जानना चाहती है हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डिपेंड करता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम है, लाइक यू नो 9 से कम है, तो
एट दैट टाइम आपको इमीडिएटली आयरन टैबलेट्स लेने पड़ेंगे. एंड अगर आपका हीमोग्लोबिन 11-12 की रेंज में रहता है और उसको आपको बढ़ाना है, सो आपकी डाइट में हरी सब्जियों का यूज ज्यादा होना चाहिए, लाइक पालक है, मेथी है, उसके बाद कॉलीफ्लावर आपका जो फ्लेवर होता है उसके पत्ते है, मूली है, उसके बाद बेसिकली ऑल दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बात करूँ तो खजूर है, अंजीर है, उसके बाद यू नो रागी है, जैसे मैंने राजग्रा है, बाजरा है, जोवार है, सो ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ मिलेट्स, हरी सब्जियां और नट्स थोड़े से, सो उससे आपको आयरन की मात्रा इम्प्रूव हो सकती है. थैंक यू सो मच. इधर एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज इधर खास बताना चाहूंगी. मैडम ने जो बोला ये मात्रा भी अच्छी लेनी है, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैंने तो निकिता मैडम ने बोला लाइक 3 to 4 times या एटलीस्ट 3 times इन अ वीक ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है, आप बोलेंगे मैं तो लेती हूँ, विंटर में तो मोस्टली हर रोज लेते हैं, तो भी हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो कारण कुछ और ही है. ऐसा नहीं, आप पता करो कि क्यों नहीं हो रहा है. एक, ज्यादातर हमने ऐसा पाया है कि जब हम एक कटोरी सब्जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल बोलते हैं तो एक भरी हुई कटोरी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाली 1/4 पोर्शन होता है, दूसरा सब टमाटर, बैंगन और आपके केस में तो नहीं लेकिन आलू ज्यादातर सब्जियों में मिक्स किया जाता है. सो व्हेन यू आर मिक्सिंग इट इज नॉट गुड. सो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाली कहने को खा रहे हो, वैसे ही डेबरा हांडवा बन रहा है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का कम ही होता है, दूधी खाली थोड़ी यूज होती है, तो ये गलत है. आपको सॉफ्ट अगर बनाने तो ज्यादा मात्रा में दूधी का कश लोगे तो भी, और टाइम पे फर्मेंट कर दो तो भी सॉफ्ट होगा, तो सोडा भी नहीं डालना पड़ेगा और उसका टेस्ट भी अंदर इतना अच्छा मिल जाता है कि आपको कुछ कड़वा नहीं लगेगा. और बचपन से थोड़ी आदत डालोगे तो आप खाओगे. फीमेल कैसे खाती आई है, क्यों मेल या लड़का नहीं खाता है, क्योंकि उसकी हमेशा से जो टेंडेंसी रही है कि पसंद नहीं आया तो दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल गया, और मदर को देख देख के एक गर्ल चाइल्ड ने खाते रहे, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये जरूरी है. उसके अलावा दूसरे कारण होते हैं कि जठर के प्रॉब्लम्स है, जूसेस के प्रॉब्लम्स है, वॉर्म्स की प्रॉब्लम्स है, तो ये और या कोई दवाई की साइड इफेक्ट हो रही है जिसकी वजह से अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखें. फीमेल के ऊपर ही सभी फैमिली मेंबर्स का इम्पैक्ट आता है, फीमेल कैसे एक्ट करने वाली है, क्या खाना बनाने वाली है. तो यू आर द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे. थैंक यू मैम. अगला सवाल है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन कैसे बैलेंस करना चाहिए? ओके, सी यूरिक एसिड है ज्यादा, सो काफी लोगों को लगता है कि अभी हम बिल्कुल प्रोटीन ले, ऐसी चीज यहाँ पे नहीं होती है. यस, वी हैव टू अवॉइड एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज यूरिक एसिड जो है वो प्रोटीन डाइजेशन का ही एक एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है. सो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटीन का रोल आ जाता है, बट जैसे कि लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि फिर हमें बिल्कुल प्रोटीन नहीं लेना है, हमें दाल नहीं लेना है, हमें कठोल नहीं लेना है, ऐसी चीज नहीं होती है. यू कैन, बट थोड़ी सी जो उसकी मात्रा है वो आपको कम करनी है. जैसे बॉइल्ड चने या बॉइल्ड मूंग ले रहे हो, इससे अच्छा आप डाइल्यूटेड दाल्स का यूज ज्यादा कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दाल में हम पानी डालते हैं वो डाइल्यूशन हो जाता है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आप कठोल लो लाइक राजमा, चना या बटाने का कुछ कर रहे हो, सो इससे अच्छा कि आप दाल का यूज कर लो, तो उसमें जो है डाइल्यूशन हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू अवॉइड ऑल द नॉन वेज प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर आल्सो रिच इन प्रोटीन्स. अदरवाइज यू डोंट रेस्ट्रिक्ट, आपको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट टोटली बंद करना है वैसे जरूरत नहीं होती है. मैम कैन ऐड इफ समथिंग इज मिसिंग, कोमल मैम? नहीं, दिस इज फाइन. सो ये जरूरी है कि डाइट के बाद कंट्रोल में आया, सो यू हैव टू बी इन टच विद द डायटिशियन एज वेल एज द फिजिशियन कि कारण क्या है, कौन सी दवाई कितनी लेवल पे चल रही है, क्योंकि डायबिटीज में हमेशा देखा गया है कि दवाई के साथ खाना ठीक से आया तो डायबिटीज की दवाई की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है. सिमिलरली एनी अदर इलनेस जिसमें आप दवाई ले रहे हो, फिजिशियन के कंसल्टेशन में हो, ट्राई टू आस्क वहां जहां भी डाइट में बताया गया है. और जैसे मैंने बताया, हम लोग अभी ऑनलाइन है, निकिता मैडम ऑनलाइन सब करती है,
सो प्लीज आस्क देम कि क्या करना चाहिए, बिकॉज सब गलत फहमी है और गूगल हमेशा सही बात नहीं बताता है. मोस्टली जैसे नीलम मैडम की बेटी अब फूड एंड न्यूट्रिशन में से आई, वैसे बहुत सारे ग्रुप्स के देखने को मिलेगा कि न्यूट्रिशन बैकग्राउंड बढ़ रहा है तो आप में होंगी, तो उसका उपयोग करें आप. थैंक यू मैम. थैंक यू. रचना पारेख जी पूछना चाहती है, एक महिला को कितना कैलोरी इंटेक करना चाहिए? ओके, सी कैलोरी इंटेक कितना करना है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. इसलिए फीमेल का एज ग्रुप क्या है, फीमेल प्रेग्नेंट तो नहीं है, फीमेल लैक्टेटिंग स्टेज में तो नहीं है, बिकॉज अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, अगर वो लैक्टेटिंग मदर है, मीन्स स्तनपान करा रही है बच्चे को, तो उसको कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज वो अकेले का नहीं है, उसका बच्चा भी उस पर डिपेंड होता है. ठीक है, सो ऐसे स्टेज में उसके कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगे. एंड प्लस आपका कैलोरी उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है. लाइक आप सेडेंट्री है, दैट मीन्स आपका घर पे कुछ घर पे ही हो, आप बहुत ज़्यादा विग्रस एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा बहुत विग्रस एक्टिविटी कर रहे हो, या कुछ स्पोर्ट्स प्ले एक्टिविटी में एंगेज हो. सो आपका लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कितना है, आपका एज ग्रुप क्या है, आपका डिजीज कंडीशन कैसा है, सो उन सब पे आपका कैलोरी इंटेक जो है वो डिपेंड करता है. बट इफ आप मुझे पूछोगे, मोस्टली फीमेल्स का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखती है, जो या तो हाउसवाइफ है या तो जिनका जॉब प्रोफाइल टेबल वाइट कॉलर जॉब टाइप का है, तो उनको रिक्वायरमेंट्स आर 1500 टू 1600 कैलोरीज. अगर उससे ज्यादा ले रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वो वेट गेन हो जाएगा, और अगर से भी कम ले रहे हैं और एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो फिर वेट लॉस होने लगेगा. कोमल मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सॉरी, क्वेश्चन क्या था? मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर कर रही थी तो पूरा मैंने नहीं सुना. एक महिला को कितना कैलोरी इंटेक करना चाहिए? बराबर. तो हाँ, मैं भले ही सेडेंटरी लाइफ जी रही हूँ और निकिता ने अगर मुझे बोला कि आप 1800 किलो कैलोरी लो, फाइन, लेकिन वो पूछना भूल गई कि सेडेंटरी में क्या मेरे हाथ पांव भी नहीं चल रहे हैं या नहीं उठ पा रही हूँ, मैं खाली थोड़ा ही चलती हूँ, घर में हर एक जगह लिफ्ट यूज करती हूँ, गाड़ी में बैठ के जाती हूँ. सो सेडेंटरी में भी देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज या फैक्टर कि आपकी 1800 किलो कैलोरी भी यूज नहीं कर. सो इन दैट केस मुझे खाली 1500 या 1400 कैलोरी की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि मेरी एक्टिविटी ही नहीं है, बैठे बैठे अभी काम कर रहे. सो इन दैट केस इवन एनी मेंबर इफ दे आर वांटिंग टू नो कि कितनी कैलोरी मेरी जरूरत है, तो उनके लिए उनका खास करके वजन के अगेंस्ट में जो BMI निकालते हैं वो, और उसकी लाइफ स्टाइल यानी पैटर्न ऑफ लिविंग कैसी है, जो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज कितनी करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज यानी हलने चलने वाली एक्टिविटी कितने करते हैं, और खुद से करते हैं कि उसमें सपोर्ट चाहिए, तो ये सब जानने के बाद ही आप करें. लेकिन अगर आपको पता चला कि आपकी इतनी है, खाने के बाद आप एक्टिविटी करते हो और आपका वजन जो स्टैंडर्ड बोला है उतना मेंटेन हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज योर रिक्वायरमेंट. अगर कैलोरी वाइज नहीं पता है, खाली फूड से पता चला कि आपने सुबह दोपहर का शाम का रात का और इन बिटवीन कुछ खाया, उससे मेरा ये वजन मेंटेन रहता है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस मेरा ये वजन नॉर्मल बताया गया है मुझे, तो ट्राई टू मेंटेन दैट. मैंने मेरा एग्जांपल खुद का बोला था इनडायरेक्टली कि मेरे मुझे पता है कि मेरा इतना वेट होना है चाहिए, मैं कितना भी फूड से कंट्रोल करती हूँ लेकिन बढ़ रहा है, दैट मीन्स एक प्लेटो इफेक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि मुझे खाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, मुझे एक्टिविटी करनी है, क्योंकि खाना कम कम करके क्या फायदा होने वाला है, फायदे से ज्यादा वेट फायदा होने वाला है कि प्रोटीन नहीं मिलेगा, हेयर लॉस हो जाएगा, स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, दूसरे सब बॉडी के प्रॉब्लम, विटामिन डेफिशिएंसी के दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काफी लोग कंट्रोल कर सकते हैं खाने में, नहीं खाएंगे हम लोग, दो दिन उपवास करेंगे. आप जैन में वो जो उपवास करते हैं वो एक स्पिरिचुअल इफेक्ट के लिए, लेकिन एवरी डे बस मैंने वो कर पाया तो अभी बॉडी कम वजन कम करने के लिए उपवास कर लूं, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज गुड व्हेन बॉडी का साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है और आप खा भी सक रहे हैं. थैंक यू मैम.
नेहा शाह जी पूछना चाहती है, कौन से इंग्रेडिएंट से वेजिटेरियंस को विटामिन B12 मिल सकता है? विटामिन B12 वेजिटेरियंस को फूड में से डायरेक्टली कहीं नहीं मिलता है. हमको पहले जब RO, UV जैसे एक्वा फिल्टर्स नहीं यूज करते थे तब ये प्रॉब्लम्स बहुत नहीं थे, क्योंकि हम जो पानी खाली फिल्टर यूज करके, गारणी जैसे बोलते हैं उसको यूज करके पीते थे, तो हमारे गट में पेट के अंदर एंड इंटेस्टाइन में ऐसे माइक्रोफ्लोरा थे कि जिसके अंदर ये सब थोड़ा पानी के गुड बैक्टीरियाज जाते हैं, तो उसको इंट्रिंसिक फैक्टर मिल जाता है और वो विटामिन B12 में कन्वर्ट करते थे. लेकिन हमने ये यूवी सिस्टम RO सिस्टम लगा दिया जिसकी वजह से ये गुड बैक्टीरिया भी जो दूर होने लगे और वो इंट्रिंसिक फैक्टर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी धीरे धीरे होने लगी. अब ऐसे में ऐसा भी नहीं बोल सकती कि आप RO हटा दो, यूवी हटा दो. इतने सालों से जिसकी आदत अगर RO बगैर का या यूवी बगैर का पानी पी जाओगे तो हमारे यहाँ वो भी प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेशन इतना अच्छा गुड क्लियर फिल्टर्ड पानी नहीं दे पाता है, कहीं ना कहीं गंदगी रही हुई है या थोड़े भी जर्म्स होंगे तो हमारे पेट आप उसको पचा नहीं पाते हैं, तो सॉरी डायरिया हो जाता है. तो इससे अच्छा तो यही है कि हो सके उतना आप पॉसिबल हो तो वेजिटेबल्स वगैरह खाओ और साथ में विटामिन B12 का एक कोर्स करो अगर डेफिशिएंसी पाई गई है. डेफिशिएंसी में बहुत इजीली पता चल जाता है, पाँव में खिंचाव पैदा होती है, आपके नेल्स होते हैं नीचे वाला एरिया जहाँ से शुरुआत होती है रूट, वो ब्लैक होने लगता है, बहुत सारे ऐसे सिंपल सिम्टम्स है, उसको गूगल करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा. लेकिन ये सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो प्लीज कंसल्ट फिजिशियन या डायटिशियन या वैसे वाले चीजों पे ध्यान दो आप कि आपको गोली लेनी है. अब तो सबलिंगुअल खाली दवाई इधर जीप के नीचे रखने से अपने आप मेल्ट हो जाती, पहले इंजेक्शन लेने पड़ते, अब तो गोलियां आने लगी, सिंपल गोलियां है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. और उसकी एक रेजिम आती है कि पहले वीक में लेनी है, फिर महीने में लेनी है, फिर तो दो मीन्स 12 गोली का कोर्स है, वैसे फॉलो करना है. मुझे अभी ठीक लग रहा है तो कल से मैंने बंद कर दिया, खुद के डॉक्टर के अलावा खुद का अपना रेजिम नहीं बनाना. थैंक यू मैम. पलक जी जानना चाहती है क्या वीट डाइट में से बिल्कुल हटा देना चाहिए, ये बात सही है? निकिता वुड बी मोर बेटर. सो वीट जो है दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं आपको बोलूं कि आपके शरीर में से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को निकाल दो तो चलेगा, उसका जो आंसर है वही आंसर होगा कि अगर आप वीट को आपकी डाइट से निकाल दोगे तो चलेगा. नो, बिकॉज इंडिया में जो हमारा स्टेपल है, हमारा जो प्राथमिक अनाज जो है वो ही गेहूं है. ओके तो गेहूं का यूज हम रोटी कर रहे हो, वी कैन नॉट इमेजिन कि हम रोटी गेहूं के बिना आप बनाए. और अभी आप देखोगे तो काफी, जैसे मैम बता रहे थे कि YouTube और Google पे इतनी सारी चीजें भरोसा कर लेते हैं और अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं कि किसी ने बोला कि गेहूं नहीं खाना है आपका वेट लॉस हो जाएगा, तो वो बिलीव कर लेते हैं और वेट लॉस कुछ भी करके करना है, ऐसे करके वो गेहूं खाना छोड़ देते हैं. उससे शायद उनका वेट लॉस हो भी जाएगा बट उसके बाद में जो उनको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की डेफिशियंसीज क्रिएट होगी, उससे जो उनकी बॉडी खराब होगी वो फिर बाद में उसका कुछ हो नहीं सकता, इरिवर्सिबल. सो ग्लूटेन फ्री डाइट का जो अभी बहुत फैड है, सो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट. हाँ, आप गेहूं को रिप्लेस कभी कभी कर सकते हो ज्वार बाजरी से, बट ज्वार बाजरी में जो कंपोजिशन है वही गेहूं में है, तो फिर गेहूं को छोड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है. सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज यूट्यूब और गूगल पे ज्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि हम वो सब देख के हमारी बॉडी पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम लोगों को कोई बोलेगा मोबाइल फोन के साथ एक्सपेरिमेंट करो तो हम नहीं करेंगे, बिकॉज हमें लगता है कि नहीं मेरा मोबाइल खराब हो गया तो. बट अगर मैं किसी को बोलती हूँ ओके आपकी आपके हेयर अच्छे होंगे आप ये पी लो, तो हम तुरंत रेडी हो जाते हैं उस चीज के लिए.
हम हमारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने रेडी होता है, बट हमारे कपड़ों के साथ, हमारे मोबाइल के साथ, लैपटॉप्स के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. सो व्हाई टू डू लाइक दिस, ओके? सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. और वीट को छोड़ना बिल्कुल भी मत सोचिए, बिकॉज वीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू मैम. राजश्री पोरवाल जी जानना चाहती है, किसी को कोरोना हो जाए तो उसके बाद डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए? ओके, सो कोविड के बाद कैसा डाइट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैडम ने उसका पूरा एक कंबाइंड बुकलेट बनाया हुआ है. सो आई विल रिक्वेस्ट मैम आल्सो के वो बाद में वो शेयर करेंगे. इट इज़ अ डेवलप्ड बाय एनसीसी, न्यूट्रिशन काउंसलिंग सेंटर ऑफ आर डिपार्टमेंट. सो उसमें वो सारी डिटेल चीज़ें दी हुई है. एंड एज फार एज आप मुझे न्यूट्रिशन का पूछोगे, सो मैं बहुत ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि कोविड के बाद रिकवरी के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो चना है, मूंग है, बॉइल्ड कटहल है, उसके बाद दालें हैं, आपका जो बेसिक होल ग्रेन्स है वही आपको बहुत, एक क्या बोलूँ, हाईफाई डाइट्स की जरूरत नहीं. आपका जो नॉर्मल रूटीन है आपको वो ही फॉलो करना है, बट प्लीज मेक श्योर कि आप आपका कोई भी मील स्किप नहीं कर रहे हो और दो दो घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हो. पॉसिबल है आपका स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन होने नहीं होने की वजह से आपको उतना भूख नहीं लगेगा. एट अ टाइम आप खा लो, तो एवरी टू टू आवर ले आप कुछ ना कुछ खा सकते हो. और डिटेल आपको प्लान चाहिए होगा, सो मैन विल शेयर विथ यू. आई हैव अ पीडीएफ फॉर्मेट, सो आई विल शेयर विथ नीलम बेन, एंड आई होप यू हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, सो शी कैन इमीडिएटली शेयर इट दैट ग्रुप. थैंक यू सो मच. नेहा भंडारी जी पूछना चाहती है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए खाने के अंदर फाइबर के कौन से अच्छे सोर्सेज हैं? मैंने थोड़ा लिखा है जवाब, दो जन ने फाइबर के ऊपर पूछा है, तो जवाब लिखा है. अब खाली फाइबर मैंने जो लिखा है, जैसे छिलके वाली दाल है, तो प्रिफर्ड टू हैव छिलके वाली दाल, क्योंकि मग मोगर जैसे पीली दाल, उसी से खिचड़ी बनती है, ट्रेडिशन आया है. तो दैट डजंट मीन कि कभी कभी हम छिलके वाली दाल की भी खिचड़ी बनाए. वेजिटेबल्स डाल के थोड़े स्पाइस अलग कर दो आप एवरी टाइम, नॉट नेसेसरी कि गरम मसाला डालो. कभी कभी यहाँ मैं बोलूंगी कि आपने अगर आपके पास हर्ब्स है अलग अलग, जैसे मैक्सिकन हर्ब हो गए, इटालियन हर्ब हो गए, और इवन हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मसालास, तो जैन मसालास बहुत सारे अवेलेबल हैं. बहुत सारे मसालास जैन ही यूज करती हूँ, बिकॉज मेरे उसकी वजह से फुलफिलमेंट हो जाता है मेरा भी. और उसमें एवरी टाइप ऑफ मसाला इज अवेलेबल, नहीं आप नाम बोलो रेसिपी का और उसका मसाला अवेलेबल, तो वो एक अलग अलग मसाले का यूज करके आप वैरायटी बनाओ, तो वो फूड की टेस्ट की वजह से खाएंगे. आपको लगता है छिलके वाली दाल की खिचड़ी पसंद नहीं है, इट इज रॉन्ग. तो ऐसा नहीं, आप ट्राई करो. फिर फाड़ा खिचड़ी बनाया कभी तो ये आप कर सकते हो, थोड़ा छोटा वाला फाड़ा यूज करो तो अच्छा है. जितना हो सके आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज करते हो ना, तो खाली पत्ता मत लो, उसके साथ उसके छोटे छोटे डंडियां होती है, एकदम कूनी जिसको बोलते हैं, टेंडर, वो डंडी भी उसका यूज करो, क्योंकि डंडी में ज्यादा फाइबर है. लेकिन वंस वो क्रश होने हो ही जाएगा, तो वो फाइबर अपने बॉडी में, मुंह में नहीं आएगा. मुंह में जब आता है तो तकलीफ करता है. वैसे ही आप करी पत्ते कहीं डालते होंगे, तो जितने पके हुए करी पत्ते डालोगे हार्ड, उतने मुंह में आते इसलिए निकाल देते हैं. लेकिन एकदम टेंडर डालते हो तो वो इवन जैसे पोहा में खा लिया तो मुंह से आया और चबा के खा भी लिया तो पता नहीं चलता, लेकिन एक आदत बन गई कि ग्रीन देखा और निकाल दिया, वो नहीं होना चाहिए. तो थोड़ी बहुत तो ये आदत हमको भी करनी है, यानी आपको खाने के लिए करनी है. फिर चटनी जो बन रही है उसमें हो सके तो डंडी वाला यूज करके ही धनिये की चटनी, पुदीने की चटनी आप बनाओ. और आपने एक महीने तक फाइबर वाला खाया तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, ऐसा नहीं है. कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आया है और इतना फास्ट दिखने लगा है, वैसे ही धीरे धीरे वो काम करेगा. लेकिन हाँ, जरूर आपकी दवाइयों को कम कर देगा और एक दिन एकदम आप कंफर्टेबली सब कुछ खाना खा के भी एंजॉय कर पाओगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर कोमल एंड निकिता मैम, दैट वाज द क्वेश्चन आंसर सेशन.
thanks to all our members also for asking such informative questions. Over to you, Swati. Swati? Yes. Sanginis, आज हमारे बीच JSGIF फर्स्ट लेडी श्रीमती रूपा बेन ललित शाह वापी से उपस्थित हैं। मैं आप सबको उनसे मिलवाना चाहूंगी। रूपा बेन, प्लीज हमारे लिए कुछ ब्लेसिंग्स। रूपा बेन, I'm no, I think video off for one person. I'm no on. Swati, over to you for my reserve. Kiran Ben, please. Kiran Ben. Rupa Ben है? Rupa Ben निकल गए हैं क्यों नीलम? या है? Rupa Ben है पर उनका video off है. हाँ तो सुनेंगे ना? Rupa Ben? Mute भी है. हाँ वो तो unmute हो गया है. Okay. मैं हमारे सेकंड गेस्ट श्रीमती किरण बेन जैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हमें अपने ब्लेसिंग्स दें। जय जिनेंद्र आप सभी को, प्रेसिडेंट नीलम और आज हमारे बीच मित्तल बेन और रूपा बेन कर रही और इतना अच्छा आज निकिता जी और कोमल जी ने हेल्थ के लिए बताया और बहुत जरूरी है। अभी लेडीज वैसे तो बहुत कॉन्शियस है लेकिन कहीं ना कहीं वो स्किप कुछ भी कर जाती है, तो आपका जो मार्गदर्शन दिया था वो बहुत अच्छा था। और पानी तो पीना, मैं इसलिए आप जैसे ही बोले तो मैंने बॉटल लेके यहाँ बैठी बैठी दो गिलास पानी पहले ही पी ली, क्योंकि आदत नहीं है, मेरे भी पानी पीने की बहुत कम आदत है, इसलिए लेके ही बैठी यहाँ सुनते सुनते और दो गिलास पानी मैं वाली अभी पी लेती हूँ। पूरे दिन फिर नहीं पीऊंगी तो अभी तो पी लेती हूँ, तो बता सकती हूँ कि मैं भी पानी पी रही हूँ। तो और संगिनी VMT का तो क्या पूछना, कि बहुत सुंदर, इनके मेंबरशिप इतनी अच्छी, इनके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं और आज जो इन्होंने कार्यक्रम किया है वो बहुत सुंदर है। तो बस ऐसे ही कार्य करते जाओ और मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच किरण बेन। संगिनीज, अब हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। हमारे बीच वो क्षण आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हमारे जजेस और हमारे स्पीकर्स को इन्वाइट करती हूँ कि वे हमारे बीच आए और रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट करें। निकिता जी एंड कोमल जी। निकिता, यू विल डू द फर्स्ट ऑनर्स। पहले खाएंगे फिर डेजर्ट खाएंगे। ओके। सो जितने भी एंट्रीज मुझे मिली थी रेसिपी कॉम्पिटिशन्स के लिए, दो थीम्स रखे थे, सेवरी आइटम्स और डेजर्ट आइटम्स। तो सेवरी आइटम्स के लिए मेरे पास जितनी भी एंट्रीज आई थी वो सारी रेसिपीज बहुत अच्छी थी। सो फर्स्ट आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए और उन्होंने अपनी रेसिपी प्रेजेंट की। सबकी रेसिपीज बहुत अच्छी थी, बट अभी दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी के हमें बेस्ट 3 प्राइजेस निकालने थे। सो कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पे रेसिपी का इवैल्यूएशन हुआ है? सो फर्स्ट लेट मी टेल यू दैट के रेसिपी कॉम्पिटिशन एक्चुअली बिना टेस्ट किए जज करना ही सबसे बड़ा टास्क था। मैम विल एग्री विथ मी। सो बेस्ड ऑन आपका जो प्रेजेंटेशन आपने भेजा था, आपने फोटोज भेजे थे रेसिपीज के, उसका पूरा प्रोसीजर था और उसका न्यूट्रिएंट कंपोजिशन क्या था, ओके कितना आप हेल्दी बना रहे हो और कितने फूड ग्रुप्स आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो और आपका प्रेजेंटेशन रेसिपी का कैसा है ऑफकोर्स, तो वो सारे बेसिस पे आपको विनर्स के नाम अनाउंस किए हैं। सो वी विल स्टार्ट। ओके, सो देर आर 3 प्राइजेस फॉर दिस कैटेगरी एंड 1 कॉन्सोलेशन प्राइज इज ऑल्सो देयर। सो So we start with third winner recipe. So the third winning recipe is a mixed pulse sandwich
by Mrs. Kajal Shah. I congratulate her, Mrs. Kajal Shah, for her recipe, a mixed pearls sandwich. Okay. Second recipe, second winning recipe is spinach rice by Mrs. Prabha Darda. Congratulations, Prabha ji. And the winner, first winning recipe is multigrain Mexican bowl by Mrs. Neha Shah. Congratulations. Congratulations to all the winners and all the participants. And consolation recipe is ragi and walnut momos by Mrs. Dhruvi Shah. Congratulations, all of you. And I wish कि मैं taste कर पाती recipes को, but yeah, okay, congratulations. I will request now Komal ma'am for PPT. Okay, shall I go ahead with dessert वाला? Yes ma'am. Yes. पहले दिखाना है. Yes ma'am. So with regard to dessert also, only my one observation ki itna bada group tha to bhi khali 9 recipe, which was not very very encouraging, kyunki sabhi log to banate honge khana to kuch bhi de dete, khali participate karna bhi important, kyunki recipe agar aati to aur agar aap mujhe poochte usme kya karna hai to main describe kar sakti thi ki usme aur kya kar sakte. So that is one way of communicating how to make it more healthy. Ya to bahut sabko pata hai, they are not wanting us to know. Anyway, coming to my main point is, again in the dessert mein bahut alag alag soch hai, because kafi dessert ka influence hamare western countries se aaya hai. Hum jo traditional khate aaye hain wo dheere dheere lupt ho raha hai. Again main emphasis to karungi ki wo tradition bachaye जहाँ भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारे डेजर्ट्स में, ट्रेडिशनल डेजर्ट्स में इवन न्यूट्रिशन के साथ सब कुछ था. एनीवे, लेकिन उतना ही जरूरी है कि घर में सबको खाना है तो न्यूर कंसेप्ट भी आने चाहिए. और आजकल क्या है, टाइम भले ही वुमेन मे नॉट बी गोइंग आउट वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन एक सैचुरेशन आ जाता है कि पूरे दिन घर में, डजंट मीन कि वी कीप ऑन कुकिंग एवरीथिंग. बस घर में बैठे बैठे भी स्वीट का क्रेविंग सबको ज्यादा बढ़ गया. हमारा एक सर्वे ने बोला कि पहले तो ऐसा था कि बाहर जा रहे हो, नहीं मिल रहा है खाना, तो घर में आके सब डिमांड कर रहे हो. अब तो घर में बैठे बैठे ही हर रोज का हर रोज नया कुछ खाना चाहिए. जब तक डेजर्ट नहीं खाया तो पचता नहीं है या संतोष नहीं होता. तो कई बार फीमेल्स ने ये मौका ढूंढ लिया कि ऐसा डेजर्ट बनाया जाए जो काफी दिन तक रहे. सो दैट वे आई टुक फ्यू वेरी गुड पॉइंट्स. ज्यादातर रेसिपीज ऐसी थी जिसमें वो लॉन्गर लास्टिंग था. एंड लाइकवाइज आल्सो आई हैव कंसीडर्ड दोस पॉइंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट मुझे क्राइटेरिया बताए गए थे. हाँ, काफी एंट्रीज में फोटोग्राफ्स नहीं थे या इवन पार्टिसिपेंट के फोटो नहीं थे. सो दैट पॉइंट वी हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन कि उसको ध्यान पे रखा गया है. आई विल अगेन अनाउंस नीचे से ऊपर की तरफ. So one consolation prize is going to Miss Pragati Nahata for coconut pancake with stuffing. She has made a very good attempt, very nice way of presenting two different concept. Pancake ka ek pancake plain aur usme stuffing ke saath. So combination of cereal and pulse hua. Little bit of a few points were noted, because of that she is getting consolation point. Third winner. Third prize goes to Anita Choradia for energy bar. Second prize goes to Pooja Jain for dry fruit biscuit. And first prize goes to Priyanka Jain for granola bar. So two bar recipe, because majority bars hi the. Two bar recipe is going into the prize and nicely made. Only thing is ki they have to be nicely made, proper composition and chewable hona chahiye.
एंड एक साथ में ये हैवी होता है तो खाली अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम से ज्यादा नहीं खाया जाए, वैसे वाला होना चाहिए, तो न्यूट्रिशियस है उसका भी प्रमाण में लेना है. सो दिस आर द विनर्स. आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबॉडी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट स्पेशली द प्राइज विनर्स एंड द ऑल पीपल हु हैव एनकरेज्ड देम टू डू सो. थैंक यू. Okay. I would also like to declare the fruit and vegetable carving art competition's winner. And again, there are 3 prizes for this category. So the third winner is Mrs. Komal Sanghvi. Congratulations. Second prize goes to Mrs. Neha Bhandari. Congratulations. And the first prize goes to Mrs. Sonu Jain. Congratulations to all the winners and participants. Thank you so much, Komal ma'am and Nikita ma'am. हमारे बीच competitions के result आ चुके हैं और हमारे winners आपकी screen पर हैं. Neela, please. Yes. Congratulations to all winners. Desert. Congratulations to all the winners. अब मैं हमारे ग्रुप की सेक्रेटरी श्रीमती शिवानी जैन को इनवाइट करना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए. ओवर टू शिवानी. शिवानी प्लीज कम. शिवानी योर नेम प्लीज. On which name account you are? Me? Kashish. Kashish. Okay. K13612 Kashish. Unmute होना पड़ेगा. शिवानी अनम्यूट. शिवानी अनम्यूट हो. आवाज नहीं आ रही. नहीं वो खुद से हो नहीं पा रही अनम्यूट. हाँ वो हो नहीं पा रही ऐसा बोल रही है. वो ऐसा बोल रही है शायद कि मैं हो नहीं पा रही हूँ खुद से. हाँ हाँ कर. हो गई. तो गई है. हाँ ओके. थैंक यू स्वाति. सबसे पहले मैं आज के वेबिनार के गेस्ट श्रीमती किरण बेन जैन, श्रीमती मित्तल बेन शाह, श्रीमती अनीता बेन शाह, श्रीमती वैशाली बेन सुराना, श्रीमती हेतल बेन, श्रीमती रूपा बेन, आज के वेबिनार के स्पीकर्स डॉक्टर कोमल जी चौहान और निकिता जी जोशी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई. अब मैं हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्रीमती मनीषा बहन झाबक, हमारे सभी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और हमारे प्रोग्राम के कन्वीनियर श्रीमती कविता बहन झाबक के साथ साथ सभी कमिटी मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया. अब मैं हमारे कंपटीशन के सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आपने जिस उत्साह
के साथ मैं इसमें पार्ट लिया, वह वास्तव में काबिल के तारीफ के काबिल है। आगे भी मैं आप सभी से इसी उत्साह, जोश और सहयोग की आशा रखती हूँ। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मेरी और अपनी पूरी कमिटी की तरफ से अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। आप सबने वास्तव में बहुत मेहनत की है और आप सबके प्राइजेस आपसे कॉन्टेक्ट करके आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। आज इस प्रोग्राम में करीब 115 सदस्य जुड़े हुए थे, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अगर आप बाद में भी ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम 1 घंटे के बाद फेसबुक और यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। जय जिनेंद्र। और इसमें थैंक्स हम अमीश भाई दोषी और ललित भाई का भी करेंगे जो फर्स्ट झूम उन्होंने लिया और हमारी संगनी को वीएमटी को ये प्रोग्राम करने का मिला। yes, yes. तो हमारे इलेक्ट प्रेसिडेंट अमीश दोषी और प्रेसिडेंट ललित शाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमीश भाई एंड ललित भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल मैम एंड निकिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, वेरी वेरी वेल डन एंड थैंक्स अगेन टू अटेंड अवर प्रोग्राम एंड शेयर योर नॉलेज विथ अस। थैंक यू सो मच मैम। प्लेजर, वेलकम एवरीबॉडी। थैंक यू, बी हैप्पी एंड बाय बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय। जय जिनेंद्र। जिसको भी लेफ्ट, जो भी लेफ्ट करना चाहे मेंबर्स वो लेफ्ट कर सकते हैं। एक मिनट, मेंबर्स लेफ्ट हो रहे हैं, 50 मेंबर्स हैं। थैंक यू टू ऑल आवर कमिटी मेंबर्स फॉर ज्वाइनिंग अस दिस इवेंट and making successful this event. Thank you so much. Hello, bye-bye. Neelam, meeting end kari den, etla automatic bada leave thai jase. Minal, નીલમ મ્યુટ છે એટલે પણ મીટિંગ હા હું અહીં હા હા એન્ડ કરી દે હા ઓકે એટલે પતી જશે બધું।